Mungila. Mungila. गाड़ी पीछे लो, तुमसे नहीं अपने ड्राइवर से बोल रहा हूं। उत्साला कायजाला मंगे 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 भाई, इतिहास खुद को नहीं दोहराता और शिवाजी अफजल खान को गले नहीं लगाता। ये क्या है? बॉडीगार्ड्स है। तेरी बॉडी को गार्ड करने के लिए दो दो मल्लिका शेरावत। जिस तरह के धंधे में हम हैं, पता नहीं दुश्मन कहां से अटैक करते हैं। कराटे एक्सपर्ट, कुंग फू एक्सपर्ट, एक भी गोली मेरे पास नहीं आ सकती। ओ रियली? कराटे एक्सपर्ट, कुंग फू एक्सपर्ट, थैंक यू डार्लिंग, थैंक यू। अरे जिग्नेश, देख रहा था तेरी ये गाड़ी बुलेट प्रूफ है या नहीं? नहीं है भाई। नहीं है भाई, तो फिर क्या फायदा इस सिक्योरिटी का, इस मल्लिका शेरावत का? लेना डाले ले। अरे नहीं लेना। हाँ हाँ तेरे को क्या लगता है, ये खुन्नस निकाल के गया या अपने को टिप दे के गया? मेरे को लगता है खुन्नस में टिप दे के गया। मुंगी, तेरी तो मैं बजा दूंगी। फादर आ गए हैं, आप लोग खड़े हो जाइए। इज्जत सर झुका के नहीं, दिल देकर की जाती है। सलाम। गॉडफादर, हम आपके लिए सऊदी से बहुत एंटीक फोन लाया है। तुमको पिक्चर बनाने का शौक कब से हो गया? हमको पिक्चर? तो फिर ये कैमरा क्यों लाया? गॉडफादर, ये टेलीफोन है, घेमरा नहीं। अच्छा। गॉडफादर, हमको माफ कर दो। गॉडफादर, हम स्टिंग ऑपरेशन करना चाहता था, हम सोचा वर्ल्ड डॉन कॉन्फ्रेंस स्टार्ट करेगा, प्लीज हमको माफ कर दो। तुम एक बार बोल दिया होता, हम तुम्हारे को ओसामा बिन लादेन ला देता। मगर ये गलत है, झूठ, गद्दारी और ब्लैक कॉफी, इन तीनों से गॉडफादर को नफरत है। नथिंग पर्सनल। क्या हुआ? रिलैक्स, स्टार्ट। जेंटलमैन, अंडरवर्ल्ड का सेंसेक्स ड्रॉप हो रहा है। आज जैसे चाइना में 25% का लॉस, भूटान का 30% लॉस, श्रीलंका 40% लॉस, पाकिस्तान का टोटल लॉस एंड इंडिया गॉन फॉर अ फुल टॉस। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन हम बेरोजगार हो जाएंगे। इसलिए गॉडफादर चाहते हैं कि हमारा अंडरवर्ल्ड में चेंजेस हो, न्यू ब्लड आए, न्यू यंग पीपल आए। जैसे शंघाई गया अल्बर्ट पिंटो को और जाफना गया एंडी को। मुबारक एंडी। और यूपी में गोरखपुर गया थापा को और बंबई के पास जो अलीबाग है वो गया फुर्सत लाला को। गॉडफादर गणपत राय, ये आप क्या कर रहे हैं? अलीबाग मेरे अंडर है, वो मुझे मिलना चाहिए। अब मेरा है, वहाँ सिर्फ मेरी हुकूमत चलेगी। अरे हुकूमत शेरों की हुआ करती है। शेर, शेर जब बूढ़ा हो जाता है तो उसे गोली मार देते हैं। मुंगी, हम तो तुझे सिर्फ रिटायर कर रहे हैं। रिटायर क्यों गॉडफादर साहब? तुम रिटायर हो जाओ मुंगी, रिटायर रिटायर। हियर इज माय प्लान। अलीबाग को मैं दुनिया का सबसे बड़ा अय्याशी का अड्डा बना दूंगा। यहाँ पर होगी हर तरह की गैम्बलिंग, हर देश की शराब, हर तरह का नशा एंड एवरी कंट्री की लड़कियां। एंड गॉडफादर, हमारा प्रॉफिट यहाँ से होगा 10 times more। और ये सब करने के लिए यू हैव टू बी यंग।
इतना लंबा और लॉन्ग टर्म प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए वारिस होना चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है, राइट? और मेरे पास है मेरा वारिस, मेरा बेटा जैक। मुंगीलाल, अंडरवर्ल्ड को तुम्हारी एबिलिटी और टैलेंट पे कोई शक नहीं, मुझे तुम्हारी दूसरी एबिलिटी पे शक है, तुम्हारा खून नहीं है, यू नो वारिस है। मेरे पास मेरा खून है, मेरे पास है मेरा वारिस, मेरे पास मुंगी क्यों बजा रहा है झूठी पुंगी? जब शादी नहीं की तो वारिस कहां से आएगा? है मेरे पास मेरा वारिस, और इससे बेटर प्लान भी है गॉडफादर। क्या प्लान है? वो मुंबई में है, अंडरवर्ल्ड से ट्रेनिंग ले रहा है। मेरे पास है मेरा वारिस गॉडफादर, बस मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए प्लीज। झूठ बोल रहा है गॉडफादर, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है सर। मुंगीलाल, अगर तुम सच कह रहे हो तो अली बाकी जमीन तुम्हारी, वरना उसी जमीन में तुम्हारी खाद मिलाई जाएगी। Your manure. आप जो सजा देंगे गॉडफादर मुझे मंजूर है। क्या बोल रहे हैं? प्लीज गिव हिम अ चांस सर। व्हाट? नो। लेकिन सर। हे। ओके। ओके। लेकिन मेरी एक शर्त है, आज से एक महीने बाद अगर मुंगीलाल अपना वारिस, अपना खून, अपना प्लान लेकर यहां पर नहीं आया, इसी मीटिंग में सबके सामने फुर्सत लाला थूकेगा, मुंगीलाल चाटेगा। हे फुर्सत, मुझे मंजूर है ना? मुझे भी मंजूर है। ओके ओके, अगले महीने इसी वक्त इसी जगह। मुझे जवाब दे, अरे जवाब दे रहे हैं। और मुंगीलाल, ये जमीन तेरी इज्जत से ज्यादा नहीं है। देख, बहुत पैसे कमाए अपन ने, अब रिटायर हो जाते हैं, और मैं कहता हूँ उस जमीन में आखिर है क्या जिसके लिए तू अपनी इज्जत दांव पे लगाने के लिए तैयार हो गया है? मेरे साथ। देख देख, तू नाराज मत हो, देख मैं तेरे अच्छे के लिए बोल रहा हूँ। अरे अरे बाबा, तेरे को जो जी में आया। ये औकात है मुंगी की, ये मेरे बाप का कुर्ता था, एक कंधा नहीं था उसका, और कभी दोनों कंधों में बैठकर पूरी दुनिया देखा करता था। लेकिन उस मेले में भैया हाँ। राम राम। मेरे बाप का शरीर खून में लथपथ पड़ा था, मेरी माँ चिल्ला रही थी, चीख रही थी, ऐसा लग रहा था चारों तरफ मांस के लोथड़े बिखरे पड़े। फिर हम दोनों ने रोते रोते उस हाथ गाड़ी को खींचना शुरू कर दिया। अस्पताल था अभी तो क्या, एक डॉक्टर, दो कमरे, मेरी मां शहर से आने वाले डॉक्टर का इंतजार कर रही थी। डॉक्टर नहीं आया, और देखते देखते मेरे बाप ने दम तोड़ दिया। बाबा, बाबा, बाबा। बहुत सारे लोग बच सकते थे जिग्नेश, बहुत सारे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए मां के मरते वक्त मैंने उससे वादा किया था कि अगर मैंने जिंदगी में बहुत सारे पैसे बना लिए मां, तो मैं अलीबाग में एक अस्पताल खुलवाऊंगा। वहां के लोगों को कसीनो की जरूरत नहीं है, अस्पताल की जरूरत है जिग्नेश। मुंगीलाल, मैं जानता हूं तेरा दिल सोने का है, लेकिन इस जमीन के लिए वारिस चाहिए, वारिस। और वारिस तब आता है जब आदमी शादी करता है। अरे 20-25 साल पहले तूने शीला, जूली, नूरी किसी से भी शादी कर ली होती ना, तो ये दिन नहीं देखने पड़ते, वारिस भी मिल जाता तुझे। पर तेरे को रिश्ता निभाना आता किधर है? ले देखे, एक बहन थी वो अंगूरी बहन, उसको भी अपनी जिंदगी से निकाल। क्यों बेशाने मेरे सर पे हाथ उठाता है? अंगूरी बहन, अंगूरी बहन, मैंने नहीं मारा। चल झूठी,
परसों तूने मेरी दोनों कलाइयां नहीं मरोड़ी थी? हाँ यही था वो। हाँ हाँ अबे बहुत छाड़ा बनता है, बहुत छाड़ा बनता है। मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा। हाय माँ। क्या रे सरजू, ठीक है ना? हाँ हाँ आखिर मुझे क्या हो सकता है। ओए लगता है भाई आ गया। ए अंगूरी, तू अपने आदमी की जान लेगी इस भांड के लिए? क्या भाई, भांड आदमी नहीं होता है? होता तो है, लेकिन ये भांड तो पूरा आदमी भी नहीं है। ए मुंगी, मेरे भाव पे मत जाओ, मैं 100% मर्द हूँ, चाहे जैसे आजमाओ। ए रबर बैंड चुप कर। भाई। ए अंगूरी। भाई अगर मेरा सरजू मेरे को नहीं मिला नहीं। तो तेरी बहन भी तेरे को नहीं मिलेगी। मैं गोली मार देगी अपने आप को। गोले मुंगी, अंगूरी अंगूरी देख देख देख, तू बहुत भोली है, इसे नीचे कर, इसमें गोली है। मैं समझाता हूँ ना ये तेरे भाई को। हे मुंगी मान लेना भाई जो ये बोलती है। शट अप। अरे सुन लो ना इसकी। अब भाई बस अंगूरी, ये आखिरी बार कहा तूने भाई, आज के बाद भाई की याद आए तो सोच लेना भाई ने भाई बहन के रिश्ते को सुपारी दी और खलास कर दिया रिश्ता। अंगूरी से रिश्ता तोड़ने का फैसला तेरा था, मेरा नहीं। अगर आज वो होती ना तो उसके 5-6 बच्चे होते, तेरे को मामा 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 बोल के बुलाते, ये घर में रौनक होती और तुझे तेरा अपना वारिस भी मिल जाता। इनडायरेक्टली सही, लेकिन अपना खून। पर अपना जाने कहां होगी वो, उसने भी तो कभी पलट कर नहीं देखा। अरे छोड़ना, उसने तो 30-40 खत भी लिखे लेकिन तूने पढ़े बगैर फाड़ के फेंक दिए। 20-25 साल पहले उसने एक खत लिखा था जो शायद मैंने संभाल के रखा है। किधर है, किधर है, किधर है, किधर है? अरे बाबा इधर ही है, ढूंढ रहा हूँ। किधर है? अरे इधर ही है, बोला ने, इधर ही है। किधर है? ये ले, ये ले। हाँ मेरी जान मूंगी, खून से खत लिख रेली हूँ सिहाई ना समझना, चादर ओढ़ के रो रेली हूँ रजाई ना समझना। ये तो नूरी का खत है। अंगूरी का खत किधर है? अंगूरी ये 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 अंगूरी का होगा। एक मिनट। हाँ नहीं 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 मुंगी मुंगी कंट्रोल कंट्रोल मुंगी मुंगी नहीं नहीं मुंगी। मेरे प्यारे प्यारे भाई है ना, भाई बोल रहे लिए। आगे बढ़ आगे बढ़। मेरी आंखों के तारे, मेरे राज दुलारे भाई, मुझे नहीं पढ़ा जाता। ला 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 मैं पढ़ता हूँ। नहीं नहीं कंट्रोल कंट्रोल। मेरे भाई तू मेरे से अभी तक नाराज चल रहा है? मैं नाराज नहीं हूँ, मैं तो रो रहा हूँ अंगूरी। अपनी छोटी बहन को माफ कर दे, तेरे को मिलने का बहुत मन कर रहा है। मेरा भी मेरा भी। तेरा मन मेरे को मिलने को ना करता हो तो ना सही, पर कमल को तो देखने आ जा। कमल? कमल कौन? उस भांड का नाम तो सरजू प्रसाद था कि नहीं? अरे मुंगी भाई अब तू भाई नहीं मामू है। मामू? मेरे को मामू बोल रहे ली है। अरे नहीं नहीं नहीं, भगवान ने तेरे को मामू बना दिया है। कमल नाम है तेरे भांजे का। तेरे भांजे का नाम कमल? मतलब वो वाला मामू? नहीं वो वाला मामू। हाँ हाँ हाँ, वो रिश्ते वाला मामू बन गया है तू, मामू बन गया है। मामा वाला मामा बन गया। मैं मामा बन गया, मैं मामा बन गया, मैं मामा बन गया। बिल्कुल तेरे पे शक्ल गए लिए। तेरे पे शक्ल गए लिए? तेरे जैसी नाक, तेरे जैसी आंख, तेरे जैसे गाल और तेरे जैसे बाल। तेरे जैसे बाल। हंसता भी तेरे जैसा है, रोता भी तेरे जैसा है। कमल गुस्सा थूक दे, कमल को देखने आ जा, नहीं आया तो मैं सोचूंगी कि मैं तेरे लिए मर गई ली हूं। तेरी बहन अंगूरी ये क्या करता है? मैं अंगूरी को मिलने जा रहा हूँ। अरे तो ऐसे भाग के थोड़ी जा सकता है, बहुत दूर है, मुंबई में। मुंबई जाऊंगा, उड़ के जाऊंगा। अरे कैसे जाएंगे अंगूरी, मुंबई में तो वहाँ अपने नाम का वारंट निकला है, अपना पासपोर्ट भी जब्त है। तो मैं भूटान के पासपोर्ट से जाऊंगा, मैं तुर्किस्तान के पासपोर्ट से जाऊंगा, मैं पाकिस्तान के पासपोर्ट से जाऊंगा। अरे जिंदगी में हमने कमाए क्या है, 18 पासपोर्ट और 11 राशन कार्ड। मुंगी मुंगी मुंगी, पर उसको ढूंढेंगे कैसे, उसका एड्रेस भी तो ये है। ये एड्रेस है, ये लो कह जो काम काज। अरे एड्रेस तो तेरे आंसू से धुल गया। मैं जाऊंगा मुंबई जाऊंगा। अरे पर कैसे ढूंढेंगे उसको? देख अपना मुंबई कितना बदल गया है, कितनी बड़ी बड़ी दुकानें हो गई हैं यहाँ।
अरे देखना कितना ट्रैफिक बढ़ गया है, अब नया नया लग रहा है जिग्नेश। मुंगीला ओफो मुंगी, और कितना ढूंढेंगे, किधर ढूंढेंगे? हाँ सानपाड़ा से लेके नागपाड़ा तक, कांदीवली से लेके डोंबीवली तक ढूंढ डाला, लेकिन कहीं पता नहीं चला अपनी अंगूरी बहन का। अरे होगी यही कहीं यारी रोड पर यार, कोई तो पता जानता होगा उसका यार। उधर देखते। अच्छा देखूं क्या उसको मैं। ए, बाहर निकल, बाहर निकल। ये क्या शाने, जानता नहीं आपन किसका आदमी है। किस्मत कुत्ता। अरे जिग्नेश भाई। अरे अरे मोंगी भाई, मोंगी भाई, अरे माफ करना भाई, गलती हो गया भाई। लेकिन आप लोग बैंकॉक से इधर काहे को आया स्कूटर चलाने के लिए? भाई अपनी बहन अंगूरी को ढूंढने आया है, आखा मुंबई छान मारा लेकिन भाई को बहन नहीं मिली। बोलो। अरे क्या भाई, आप उनको बोलने का था ना ढूंढने का। अरे मैं नहीं, जॉनी इंग्लिश। जॉनी इंग्लिश? जॉनी इंग्लिश कौन है? अरे जॉनी इंग्लिश वो अपना खबरी था ना। हाँ, वो उसका छोकरा। हाँ? डेंजर डिटेक्टिव है, वो भी ढूंढ लेता है जो खोया ही नहीं था। ये मेरी बहन अंगूरी को ढूंढेगा? अरे पन ट्राई करने में क्या जाता है। हाँ? What do you think, क्या सोच रहे हो तुम? जॉन इंग्लिश खाली बैठा है, sitting empty, 2,222 केसेस अंदर इंतजार कर रहे हैं, waiting in sight. टिया जी, please give them knowledge. जॉन इंग्लिश नंबर वन डिटेक्टिव है. You know तेल, you know घी, तेल घी को किसने पकड़ा? मैंने. You know ये तस्वीर देख रहे हो किसकी है? कादर खान की. मेरे बाप की है, मुंबई अंडरवर्ल्ड का खबरी. इसकी पुलिस को इन्फॉर्मेशन किसने दी? मैंने. कंट्रोल कंट्रोल, अबू शालिम को किसने अरेस्ट करवाया? आपने. सही जवाब. अगला सवाल, चमन चिकना पप्पू पेटर मुन्ना मेट्रो को किसने पकड़वाया था? आपने. सही जवाब. अगला सवाल, दुबई के अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद को? आपने. नहीं, दाऊद तो पकड़ा ही नहीं गया है क्योंकि मैंने उसे नहीं पकड़ा. नॉलेज के लिए नोट करो. टाइम नहीं है मेरे पास, 2,222 के अंदर इंतजार कर रहे हैं, वेटिंग इन साइट, और आप कह रहे हैं यू आर सेइंग कि मैं कमल लोटस को ढूंढूं? क्या सोचा आपने? व्हाट डू यू थिंक, जॉनी इंग्लिश खाली बैठा है, सिटिंग एम्प्टी? नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो, बहुत सुना है आपका. और वो कमल है ने, इनके जिगर का टुकड़ा है यू नो, और ऊपर से इकलौता वारिस है करोड़ों रुपए का. नो नो नो, मैं कुछ नहीं कर सकता. अरे नहीं नहीं, देखो ऐसा मत करो, बहुत दूर से आए हम. आप पास से आते तो भी मैं कुछ नहीं कर सकता था. 50 लाख दूंगा. क्यों नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूँ. किसने बोला मैं नहीं कर सकता? हेलो, किसने बोला भाई? बोलो. अरे क्या नाम है आपका भाई? किसने कहा? हेलो जिया जी, इनसे बोलो. बिल्कुल कर सकता हूँ, एकदम कर सकता हूँ भाई. इतनी दूर से मेरे पास आए, आपका काम हो जाएगा. कमल की तस्वीर? नहीं. कोई बात नहीं, जॉन इंग्लिश नाम से भी आदमी को पकड़ लेता है. कईयों का तो बॉस ने ढूंढने के बाद नाम रख दिया. कोई निशानी? ये मेरी बहन अंगूरी की तस्वीर है, 25 साल पुरानी. आपकी बहन की शक्ल तो भाई से मिलती है, 100% भाई लगती है. जुबान से ज्यादा दिमाग से काम लो. मैं सिर्फ एक हफ्ते का वक्त दे रहा हूँ, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, इस पे मेरा फोन नंबर भी है. 5 लाख रुपए एडवांस मिलेगा और 45 लाख काम हो जाने के बाद. काम हो गया तो अच्छा है, वरना काम हो जाएगा. हो जाएगा. गुड. और हाँ एक बात और याद रखना, मेरे भांजे उसकी दाईं टांग के ऊपर थोड़ा सा एक काला तिल है. नॉलेज के लिए नोट करो. एक्सक्यूज मी, एक बात बताइए, जब आपने कमल को देखा नहीं तो तिल कैसे देख लिया? इसलिए देख लिया होगा, देख लिया होगा, देख लिया होगा, देख लिया होगा. स्टाइल होता है अपना अपना देखने का. काम हो जाएगा, एक हफ्ते के अंदर अंदर मैं कमल को पिक करके उठा लूंगा. ओके, मतलब उसको फाइंड करके ढूंढ लूंगा. गुड गर्ल, गुड गर्ल, गुड गर्ल. जिया जी, जिया जी, प्लीज गिव मी नॉलेज. इन 5 लाख रुपए का मैं क्या करूं? इतनी रकम पहली बार मिली है. कैसे भी कमल को ढूंढ निकालो, 50 लाख रुपए मिलेंगे, है ना? कुछ भी करो, जमीन को खोद डालो, आसमान को चीर डालो, लेकिन कमल को ढूंढ निकालो. बॉस, आसमान से शुरू करो. आज तो ये गिरेगी यार. छड्डो जी यार, नहीं गिरेगी, लगी मेरी सौकी. ओ छड्डो यार, कुछ भी कहो, चीज बड़ी पटाका जे यार. पटाका तो आज फटने वाला है.
मैं कहाँ हूँ? जन्नत में। अरे यार, जब भी ये गिरने लगती है ना, ये लौंडा बीच में आता है। इसकी अच्छा हो तुमने बचा लिया, वरना मैं तो गिरी जाती। अब पहले से इतनी गिरी हुई है, और कितना गिरना चाहती है? अब पानी 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 कहाँ से लाऊँ? भाई भाई कोई है? भाई किसी और की बीवी मर रही है। भाई भाई कोई पानी पिला दो। भाई अरे पानी, भाई पानी दे दो। साला अब पता चला हीरो बॉडी क्यों बनाते हैं। देखा, आज आप फिर से बच गई ना मेरी उमराव जान, वरना आपकी जान चली जाती ना, और मैं तो रेफ्यूजी बन जाता। आज क्यों बचाया मुझे? मर जाने दिया होता। क्यों क्यों रंबा जी, आप लाइफ से इतनी निराश हो तो कुछ लेती क्यों? अरे क्या लू, किससे लू? पति है जो कुछ दे नहीं पाता, बैलेंस नील है मगर खुला है खाता। कैसा भाग्य लिखा है भाग्य विधाता। क्या आप अपनी जवानी दीवानी से परेशान हैं? क्या आपका पति परमेश्वर दिमाग से पहलवान है? घबराइएगा मत, मैं हूं ना। खोई हुई ताकत और जवानी लौटाने के लिए आपके शहर में आ गई है एक आयुर्वेदिक कैप्सूल, जिससे सब कुछ फिक्स हो जाएगा, क्योंकि उसे खाते ही आपका पति क्रिश हो जाएगा। कितना बड़ा है? साइज डज मैटर, बट प्राइस मैटर्स मोर। अरे मैटर मोटर छोड़, कितने पैसे बोल? सिर्फ 1000 रुपए, ओनली 1000। अरे 1000 ले ले, जितने पैसे चाहिए ले, और मुझे ये दे दे। थैंक यू, मोस्ट वेलकम। एक मिनट जी, इस बार ये काम करेगी ना? क्योंकि पिछली बार तूने कहा था इसे खाते ही मेरा पति रॉकेट की तरह उड़ने लगेगा, लेकिन वो हवा निकली फुटबॉल की तरह फंस हो गया। रंभा जी, ये वाला डबल डोज है, इसका नाम है लगे रहो मुन्ना भाई। ये खाते ही ना आपके पति ना धूम टू की तरह स्टंट्स करने लगेंगे, आई प्रॉमिस यू दैट। अरे लेकिन वो खाता ही नहीं है, प्रॉब्लम ये है उसे खिलाओ कैसे? अपने सारे वरीज कर दीजिए व्हाई, क्योंकि मैं अपने साथ लाया हूँ एक बाय। अगर कुछ ना चले तो इससे काम चला लेना। इससे किसे काम चला? मैं समझाता हूँ, हमारे गांव में ना इसे भैंसों पर इस्तेमाल करते हैं। व्हाटएवर वर्क्स फॉर द भैंस कैन इवन वर्क फॉर द गाय, यू नो। एनीवेज मैं समझाता हूँ, मुंह खोली ऐसे नहीं, थोड़ा प्यार से, थोड़ा थोड़ा सा, हाँ ब्यूटीफुल। अब ये पाइप अपने मुंह में डालिए, माइंड ब्लोइंग। और पाइप का दूसरा हिस्सा जॉनी भाई के मुंह में, और फिर पाइप के अंदर गोली डालिए, फिर उसमें हल्का सा सुपर फैंटास्टिक। ह्यूमन बीइंग ने किश करने के क्या क्या तरीके इजाद कर लिए, देखा? पाइप से किश कर रहा है। जिया जी, ये लड़का कौन है और किसको किस कर रहा है? ये आपका किरायेदार है और आपकी बीवी को किस कर रहा है? That's very good. क्या? वहीं रुक जाओ। Stop it. Hold it. थामा। जिया जी, मुझे दो। गाल नहीं, रुमाल। तहकीकात का वक्त शुरू होता है। टन, टन, टन। पाइप के दोनों तरफ चार चार होठों के दो दो निशान हैं। सबूत को कहीं भी रखा जाए, तहकीकात पूरी हुई, पर्सनल बात शुरू हुई। हेलो उल्लू के पट्टे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को पाइप से किस करने की? तो बिना पाइप के करता। डोंट स्मार्ट ओवर बी ओवर स्मार्ट। तुमको पता नहीं मैं कौन हूँ? जानता है मैं कौन हूँ? Who am I? जॉनी इंग्लिश, द फेमस डिटेक्टिव। थैंक यू वेरी मच जिया जी, नॉलेज के लिए नोट करो। एक तो किराया नहीं देता, ऊपर से घर के पर्सनल सामान को यूज करता है, पे नहीं करता, और अपने आप को पेइंग गेस्ट कहता है। इसे आउट करके बाहर करो। जॉनी डार्लिंग, इसे आउट करके बाद में बाहर करना, पहले
क्या? हाँ मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। मैं भी तुमको कुछ कहना चाहता हूँ। वो क्या है? नहीं, कि? नहीं, मैं तुम्हें अंदर चल के कहना चाहती हूँ। मैं बाहर रुक के कहना चाहता हूँ। नहीं, मैं अंदर चल के कहना चाहती हूँ। मैं बाहर रुक के कहना चाहता हूँ। चलो चलो ना डार्लिंग। ओवर स्मार्ट। अरे तू कहाँ जा रही है? मैं सौ की असिस्टेंट हूँ, सौ को असिस्ट करूंगी। थोड़े मौके की नजाकत को समझा करना यार। अभी अंदर प्रॉब्लम डिटेक्टिव जॉनी की नहीं, डिफेक्टिव जॉनी की है। अब एक काम कर, तू जा, गो गो, मैं संभालूंगा, तू जा। जी, आपकी डांसिंग सिंगिंग से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बिफोर हैंड पता चल गया है कि मैं आपको बहुत बड़ी खुशी की खबर देने वाला हूँ। एम लाल नाम है उसका। हाँ, बैंकों में करोड़ों की जायदाद है बैंकॉक में। ये देखो, ये ना ये विजिटिंग कार्ड भी दिया है। और ये देखो, ये ना ये नोट भी दिया है, नोट। ही इज ट्राइंग टू फाइंड कमल नाम का भांजा जिसको उसने नेवर सीन ही हैज। बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन है कि उसकी दाएं वाली राइट जांघ पे है ना काला तिल है। 50 लाख रुपए देने का वादा किया है उसको फाइंड करके ढूंढने के लिए। 5 लाख रुपए एडवांस भी दिए हैं। मेरे कपड़े क्यों उतार रही हूँ, मेरे को मीटिंग के लिए जाना है। बस ऐसे ही रहना मेरे सुपरमैन, ये गोली खाते ही तुम ही मैन बन जाओगे। चंपा जी, आप तो दूसरी डांस करने लगे, ये आज बात क्या है, हो क्या गया है? आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। चंपा जी। अरे लगता है डांसिंग करते करते थक गई हैं आप, सो जाओ। ओके। रोल एक्शन।
यू आर टू गुड. थैंक यू. ये किस किस को पूछ के क्या रे? तेरी हिम्मत कैसे हुई शिवानी सावंत को किस करने की? कम ऑन बेबी, इंडस्ट्री में ये सब तो चलता रहता है. हा? और मैंने तुम्हें किस बड़े प्यार से किया है. तेरी माँ की बहन लगती हूँ, तेरी बेटी लगती हूँ, ये प्यार कैसे दिया रे? मेरी भी कोई रेपुटेशन है, पब्लिक को मैं क्या जवाब देगी? ओके बेबी, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो. आईना कभी किया ना, तेरे ऊपर केस ठोक देगी. मूड नहीं है. केस मत कर दादा, बाप तेरे. केस मत कर. मेकअप खराब कर दिया इस चूम गम के बच्चे. चल, और तू मेरा मुंह क्या देख रहा है? हाँ सर. नेक्स्ट शॉट लगा. नेक्स्ट शॉट. कम ऑन गाइस, नेक्स्ट शॉट. कम ऑन, शॉट लगा यार. हाय, कैसी हो डार्लिंग? अब आया है तू? पता है सुबह से वेट कर रही हूँ तेरा. अरे पर मैं तो सुबह से कुछ पता नहीं था डार्लिंग. बेबी बोलने का मेरे को, तू बेवकूफ बनाता है. पता है कितना लव करती हूँ. I love you too, baby. फिर से बोल. I love you. Yes. मरने को क्या कर रहा है? कुछ नहीं. तो फिर भट्ट साहब को जाके मिले, तेरे लिए रोल की बात की है मैंने. क्या बात कर रही है? हाँ अच्छा, ट्यूसडे को क्या कर रहा है? कुछ नहीं. तो जाके मधुर भंडारकर से मिल ले. अरे हाँ, वो ट्रैफिक सिग्नल के बाद नई पिक्चर बना रहा है ना, फ्लाई ओवर. हाँ, फ्लाई का रोल मैं करूंगी और ओवर तू करेगा, ऐसा वो बोला. ओ, अच्छा अच्छा, ये बता संडे को क्या कर रहा है? कुछ नहीं. तो सिद्धि विनायक शाम 10 बजे पहुंच जाना. किसकी शूटिंग है? शूटिंग नहीं, शादी. किसकी? अपनी. अच्छा. क्या शिवानी, क्या हो गया तुम्हें अभी से शादी? ज्यादा डिस्कशन नहीं, आई लव यू करती है, तेरे से शादी करनी है बस संडे को. अरे पर आज मंडे है और कल ट्यूसडे है, कल मुझे जाना है. बहुत ज्यादा बोलने का नहीं, तेरे से शादी करनी है मतलब तेरे से शादी करनी है. बहुत बड़ा सेटअप है, बहुत बड़ी शूटिंग है. बोल आई लव यू. बोल बहुत बहुत. बोल आई लव यू. आई लव यू. बोल आई लव यू वन मोर. आई लव यू. बोल आई लव यू वन मोर. आई लव यू. आई लव यू टू माय बेबी. आई लव यू टू. ये ड्रेस बहुत अच्छा है भैया जी, ये कैसे दिया? पैसे से दिया. ए, पैसे की धौस मत दे मेरे को. हाँ वरना मैं भी दे दूंगी. बहुत क्रेडिट कार्ड है मेरे पास, ये ले. पैसे से देगा. बॉस, आप अपनी पत्नी को इतनी क्रेडिट कार्ड्स क्यों देते हैं? नॉलेज के लिए लिखो. जब पति अपनी पत्नी को कुछ और नहीं दे सकता तो उसको क्रेडिट कार्ड देता है. देखा, सच में ट्रुथ बोला तो किसी की घंटी बज गई. भाई किसी की घंटी बज रही है, कोई उठाओ प्लीज. पिकअप पिकअप भाई, किसी की घंटी बज रही है, कोई उठाता क्यों नहीं? प्लीज उठाओ. आपकी बज रही है बॉस. कमाल की स्ट्रेंज सी बात है, मेरी बज रही है और मेरे को पता ही नहीं कि मेरी बज रही है. हेलो जॉनी, इंग्लिश ऑन द लाइन. जॉनी मैं बोल रहा हूँ, जिग्नेश. वो मिला क्या? कमल. हु? कौन कमल? अरे एम लाल फ्रॉम बैंकॉक. हु? कौन एम लाल? अरे 5 लाख तुमको दिया है ना एडवांस. कौन? कब दिए थे? अरे अरे जब मिलने आए थे तब. बॉस किसका फोन है? बैंक्सी है, बैंक्सी. लॉट ऑफ बैंक कॉलिंग एवरी डे. हेलो बैंक. हेलो बैंक. अरे क्या ही? 3 दिन हो गए हैं, 4 दिन बाकी हैं. एम लाल फ्रॉम बैंकॉक बोल रहा हूँ. अजी 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 एम जी लाल जी, जॉनी हिंदी जी नहीं जी इंग्लिश जी. जोकिंग जोकिंग. मुझे मजाक पसंद नहीं. 5 लाख सूद समेत वापस लूंगा अगर कमल नहीं मिला तो. डोंट यू वरी जी, मैं उसी को फाइंड करके ढूंढने निकला हूँ. तो बीवी के साथ शॉपिंग करना बंद करो और कमल को ढूंढो. ओके टिया जी, प्लीज गिव मी नॉलेज. हाउ कम ही नो आई एम द शॉपिंग इन द मॉल? सर ये एमलाल बहुत डेंजर आदमी लगता है. टिया जी टिया जी, जॉनी इंग्लिश के लिए कौन डेंजर हो सकता है जब जॉनी इंग्लिश खुद पर्सनली एक बहुत बड़ा डेंजर है. तो आप कमल को नहीं ढूंढेंगे? ढूंढूंगा, लेकिन एम लाल के डराने से नहीं, अपने मूड से. नॉलेज के लिए लिखो. हाँ. माई मूड स्टार्ट्स नाउ. मुंगी लाल चाहे कितने भी पापड़ बेल ले, अलीबाग पर राज करेगा फुर्सत लाला,
और उसका बेटा। जी भाई। उसका वारिस। अंडरवर्ल्ड का फ्यूचर। जी भाई। मेरा बेटा। मेरा बेटा अंडरवर्ल्ड की शान। जी भाई। अंडरवर्ल्ड का नया खौफ। अंडरवर्ल्ड का नया बादशाह। जी भाई। ये लड़का कौन है? ये लड़का नहीं है भाई, लड़की समझो कि मात्रा तेरी है। उसकी बाहों में कौन है भाई? अंडरवर्ल्ड का फ्यूचर। अंडरवर्ल्ड का फ्यूचर इसके हाथ में? ना ना ना, अंडरवर्ल्ड के फ्यूचर को मैं इसके हाथ में नहीं रहने दूंगा। जैक, 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 ये क्या हो रहा है? Hey dad, why are you so mad dad? कितना सेक्सी रिहर्सल चल रहा था dad, और आप बीच में आ गए। अरे मैं बीच में नहीं आता तो तू बीच का। ये क्या है? क्या नहीं dad, कौन है? Toby, my dance director. Toby, that's my dad. Toby, he's so cool. बेटे, बेटे तू अंडरवर्ल्ड का फ्यूचर है, ये ट्यूटर के चक्कर में क्या आ गया बेटे? Dad, ये मेरी फिल्म का आइटम नंबर डायरेक्ट करेगा। भाई, आइटम नंबर क्या जैक करेगा? अरे चुप मुच्छल, इधर। अरे आइटम नंबर के लिए फिल्म बनाने की क्या जरूरत है? एक फोन घुमा सारी आइटम इधर आ जाएंगी और फुल आइटम करके दिखाएंगी। तू अंडरवर्ल्ड में है, कोई पोस्ट ऑफिस में थोड़ी काम करता है। नो नो डैड, आई एम अ थॉरो प्रोफेशनल डैड, मैं एक फिल्म बनाऊंगा डैड, बस मेरी हीरोइन मिल जाए डैड। मैंने तो हीरोइन के डांस स्टेप भी सारे सीख लिए हैं। कम कम, I'll show you, Dad. अरे बेटा, बेटा तू क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है बेटा? Dad, मैं आपके लिए बम लगा सकता, आप मेरे लिए अपना बम नहीं हिला सकते, Dad. अरे बेटा, मैंने पहले ये सब कभी किया नहीं है ना? That's why, Dad. I need a fresh face like you. अरे क्या कर रहा है बेटा? क्या कर रहा है तू? Imagine करो कि आप item girl हो. Girl? अरे मैं तो Don हूँ underworld का. नहीं, Dad. Imagine करने का, बनने का नहीं है, Dad. किया, किया बेटा किया। डैड, फेस पे एक्सप्रेशन लाओ, आइटम गर्ल की तरह। अरे कैसे? ऐसे डैड। अब फील करो डैड कि आप एक हॉट सेक्स बम हो। बेटा करो हॉट सेक्स बम। भाई आप तो बिल्कुल राखी सावंत लग रहे हो। ऑलराइट डैड, शेक योर बॉडी, शेक योर बॉडी, शेक योर बॉडी, शेक योर बॉडी, शेक योर बॉडी। सर, 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 हमारा ऐड छपा है। सोमी, गुड, आजा घर आजा, मेरे कमल के फूल, मेरी गलती से हुई भूल, शर्जू और अंगूरी की निशानी, जंग के काले तिल में है कहानी, आजा सुनाजा अपनी जुबानी, करोड़ों का माल देखे तेरी राह, तेरे मामा के दिल से निकली है आ। वाह बॉस, वाह वाह, क्या ऐड छपा है, इससे मालूम भी नहीं चलता कि कमल के माँ बाप कौन है और इसकी जांग पे काला तिल है। देखा? जिया जी, please give me knowledge. ये बाहर आवाज कैसी है? देखो, कोई क्लाइंट हो तो कह देना कि सर बिजी हैं। सर, लगता है कमल आ गया। ओह, लगता है ऐड का असर हो गया है। हाँ, come on, fast. जिया जी, इतने सारे कमल कैसे खिल गए? मैं कमल हूँ। मैं कमल हूँ। अरे आप कैसे कमल? अरे सुनो, मैं कमल हूँ। अरे स्टॉप 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 स्टॉप। अरे बाबा, मैं कमल हूँ मैं। अरे लेकिन आप? मैं कमल हूँ। अगर तुम में से कोई कमल है, तो अपनी जान का दिल दिखाए। हाय हाय, हे प्रभु, बहुत मारा जालिमों ने, बहुत दर्द हो रहा है क्या? नहीं, मैं मोगली हूँ, चिल्ला चिल्ला के जानवरों को इकट्ठा कर रहा हूँ। डार्लिंग, वैसे धारी वाली चंडी में तुम वैसे ही लग रहे हो, मेरे मोटू मोगली। डार्लिंग प्लीज, इट्स पेनिंग, इट्स हर्टिंग, आज क्या हो गया तुमको? वो मोगली और जंगल की बातें सुनकर मैं थोड़ी वाइल्ड सी हो गई हूँ। प्लीज डोंट बी वाइल्ड, बी माइल्ड। क्या चाहती हो तुम? क्या? तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा करना। नहीं, मेरे को नहीं खड़ा होना, प्लीज प्लीज। टिया जी,
गिव मी, प्लीज गिव मी, नहीं नॉलेज, ये क्या हो रहा है? एक मिनट, घर वाली नॉलेज देती है तो तैयार होते हो लेने के लिए, जब घर वाली नॉलेज देती है तो उसे एक्नॉलेज नहीं करते हो। अरे इस बुलडोजर के नीचे मर जाने से अच्छा है तो मुंगीलाल की गोली खा के मर जाओ। मुंगीलाल? नहीं नहीं, उसका नाम मत लो, डोंट रिमाइंड मी। उसके कमल को ढूंढते ढूंढते मैं खुद कीचड़ बन गया हूँ डार्लिंग। वो देखा, सच में ट्रुथ बोला तो। दरवाजे की घंटी बजी। ओ गॉड, मैंने सोचा जॉनी, जॉनी अच्छा। ए मिस्टर, हु यू कम वेयर, व्हाट वांट्स? सॉरी, मैं नौकर से बात नहीं करता, मूव साइड रामू। रामू, मेरी जैसी हैंडसम पर्सनालिटी वाला आदमी तुम्हें किस एंगल से रामू दिखाई देता है? ओके ओके, रामू नहीं तो शामू, बिरजू, सरजू, व्हाटएवर, इन शॉर्ट घर का नौकर। घर का नौकर, डोमेस्टिक सर्वेंट, आई मी मायसेल्फ, आई एम जॉनी इंग्लिश का नौकर। एक बड़े दिल वाली के यहाँ काम करने से नौकर राष्ट्रपति तो नहीं बन जाता, राइट? क्या ये आदमी यहाँ से थोड़ी देर के लिए दफा नहीं हो सकता? आपको एक सेकंड। जानू, थोड़ी देर के लिए तुम यहाँ से दफा हो जाओ ना, प्लीज जाओ ना। एक्सक्यूज मी, पान खाते हो? गुड क्वेश्चन, साल में एक बार। वेरी गुड, ये लो एक साल का कोटा, खा के आओ। ये तू मेरे को जानता नहीं है। Who I am Johnny English, and she is my sweet, innocent, beautiful wife. Oh, she is my wife, Mrs. Johnny English. Tell him. I am his wife. Oh God. I'm so sorry. Sorry, Mr. Johnny. वो थोड़ी confusion हो गई. I'm from Canada, actually. You know. और बड़े अरमान लेकर आपके पास आया था. No. प्रॉब्लम, बड़े अरमान लेके आए थे, छोटे वरमान लेके चले जाओ। डार्लिंग, गो टू योर बेडरूम, लॉक योर शेल्फ। गुड। मिस्टर जॉनी, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सर, आपको प्रॉब्लम बोल रहा है? नो नो सिली, ये प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली आई एम केएस, कनाडा से आया हूं। ये प्रॉब्लम है? नो नो, मेरे एक अंकल है, मामा, यू नो। वो प्रॉब्लम है? नो नो, तो प्रॉब्लम क्या है? मेरे मामा मिल नहीं रहे। अरे आपके मामू आपको नहीं मिल रहे हैं तो ये आपका फैमिली प्रॉब्लम है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? नो नो नो, एक्चुअली उनका पता मुझे नहीं पता, आप उन्हें ढूंढ देंगे प्लीज? नो नो नो, हमें लोग ऑलरेडी ढूंढ रहे हैं, हम किसी को कैसे ढूंढ सकते हैं? मेरी माँ की आत्मा आपको दुआएं देंगी। वी डोंट टेक दुआज। प्लीज मेरे मुंगी मामा को ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। नो नो नो, गो गो गो। ओके, थैंक यू सर, मैं खुद ही ढूंढ लूंगा अपने मुंगी मामा को। और जब वो इन अस्थियों को हाथ लगाएंगे तब मेरी माँ अंगूरी देवी की आत्मा को शांति मिलेगी। नाउ आई शैल गो। सर, ये पहचाना कौन था? अंगूरी देवी का बेटा। इसका मामा पता है कौन है? मुंगीलाल। इसका नाम पता है क्या है? केएस। केएस मतलब कमल शंकर। कामाशूत्र भी तो हो सकता है। सर, माँ अंगूरी, मामा मुंगी। ये वही है। जिया जी, ये वो है नहीं, था। मैं इसको ढूंढने के लिए जाता हूँ, मैं जा रहा हूँ। अरे कपड़े तो पहन लीजिए। केएस, केएस, अरे केएस कहाँ चला गया? अरे केएस को देखा है क्या? नहीं भाई। अरे केएस कहाँ है? अरे लगता है ये केस अब मेरे से सॉल्व नहीं होगा, किसी और डिटेक्टिव से बात करनी पड़ेगी। हनुमान जी महाराज, अरे आप तो दुनिया के सबसे बड़े डिटेक्टिव हैं। जय बजरंग बली जी महाराज। महाराज, मेरा नाम ना जॉनी इंग्लिश है, मैं भी आपकी बिरादरी का एक छोटा मोटा डिटेक्टिव हूँ और केएस नाम के लड़के को पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ। आप तो इतने टैलेंटेड डिटेक्टिव हैं, आपने सीता माता जी को बगैर फोटो के फाइंड करके ढूंढ निकाला था, तो फिर ये केएस किस खेत की बोली है? आप ना केएस को किसी तरह मेरे सामने लाके खड़ा कर दो, मैं रोज हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, उसको पढ़ना कभी बंद नहीं करूँगा।
देखा, सच में ट्रुथ बोला तो फिर घंटी बज गई। ओ डियर बजरंगबली, मुझे अपने मुंगी मामा से मिलवा दो। यू आर द वर्ल्ड्स फर्स्ट एंड द बिगेस्ट सुपरमैन, प्लीज सेंड मामा। बेटा। मामा? हाँ। आप? मैं, मेरे को ना तेरे मामा ने भेजा है, क्योंकि मेरे पास भेजा है इसलिए ना मैं ही तेरे को तेरे मामा के पास भेजूंगा। आप? हाँ, लेकिन उससे पहले तेरे को मेरे चार सवालों के जवाब देने होंगे। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्वेश्चन नंबर वन, तुम्हारी माँ का नाम अंगूरी देवी है? यस। गुड। क्वेश्चन नंबर टू, तुम्हारे मामू का नाम मुंगीलाल तो नहीं? हाँ है। वेरी गुड। तुम्हारा नाम कमल शंकर उर्फ केश तो नहीं? आपको ये सब कैसे पता चला? सब पता है, सब पता है, और ये भी पता है कि तुम्हारी दाई जांग पर काला तिल है। ये देखे। Excellent, superb. I have no words. Excellent. Thank you, हनुमान जी महाराज। केस सॉल्व हो गया, केस मिल गया, केस मिल गया। लेकिन ये जिप का कोड क्या है? मेरी माँ हमेशा कहती थी कि लोग तुमसे सबूत मांगेंगे, सबूत, और वो सबके सामने पैंट खोलना भी अच्छा नहीं लगता ना। और आप तो जानते ही आजकल कैसे कैसे लोग हो गए। हाँ, इसलिए ये। पर जॉनी जी, मुझे अपने मामा से जल्दी मिलवा दीजिए। वो क्या है, मेरी मेरी माँ की आत्मा बहुत बेचैन हो रही है। मेरे से ज्यादा थोड़ी ना हो रही होगी। मैं ना अभी तेरे को ले चलूंगा। कहाँ? बैंकॉक। लगता है गलत पते के एड्रेस पे आ गए। हेलो, दिस मुंगीलाल हाउस। ए मुंगीलाल, ये क्या बात है, कौन है ये लोग? सर जी आप, अरे गुड लुक्स को पहचानो। मैं पहचानो। जॉनी इंग्लिश, फेमस डिटेक्टिव। इनको बताओ ना मैं कौन हूँ और ये कौन है? ये लोग हमारे बॉडीगार्ड्स। बॉडीगार्ड्स? इसका मतलब अंडरवर्ल्ड से धमकी आई होगी। ये कौन है? ये इनको नहीं पहचाना? ये मुंगीलाल जी के भांजे हैं, उनके वारिस कमल। पैर खींचो बेटा, नहीं मतलब पकड़ो, छुओ। जिग्नेश मामा, मैं केएस कमल शंकर कैनेडा से। मुंगी मामा कहाँ है? मुझे मुंगी मामा से मिलना है। तो ये कमल है। ओ, तो ये मामा है। तो ये मेरी बहन अंगूरी का बेटा है। ओ, तो ये मेरी माँ अंगूरी के भाई है। वही शकल, वही सूरत। अगर ये कमल है तो पिछले तीन दिनों से जो हमारे साथ रह रहा है वो कमल कौन है? 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 कमल जी मामा। जी किंग अंकल, आपने इस छोटे सरकार को याद किया? तू ये कमल है। मुंगीलाल जी, अगर ये कमल है तो मैं सचिन तेंदुलकर हूँ, आप अभिषेक बच्चन और ये ऐश्वर्या राय। मुंगीलाल जी, ही इज ए राहुल। ये एक नंबर का फ्रॉड है। पे किए बगैर मेरा पेइंग गेस्ट था, किराए दिए बगैर मेरा किराएदार था। सौ मीदा शकल। नहीं मामा, आज मैं किसी को शकल नहीं दिखा सकता। वो क्या है ना कि सुबह से ना थोड़ी मेरी आंखों में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम है। शकल देखा, गुड लुकिंग चेहरे को इसने पहचान लिया, एंड दैट प्रूव्स ही इज ए राहुल। ये सच, मेरा नाम राहुल है, लेकिन मेरी असली माँ ने मेरा नाम कमल रखा था। अब आप ही बताइए मामा जी, क्या फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी कमल नाम का एक्टर सक्सेसफुल हुआ है? कमल हासन। अरे साउथ में, इसीलिए मैंने अपना नाम राहुल रखा। लाइंग लाइंग लाइंग, ही इज ए राहुल। कमल मेरे राइट में है, ही इज ए राहुल। नहीं मामू जान, ये साजिश है। नहीं, साजिश नहीं है, साइलेंट फिल्म के हीरो। अब तुम भी कुछ बोलो। अब मैं क्या बोल सकता हूँ, मुझे आपके ये आलीशान बंगलो और प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, नथिंग। बात करता है। मैं तो सिर्फ यही चाहता हूँ कि आप ये मेरी माँ और आपकी बहन की अस्थियों को टच करें, तो मैं इसे गंगा में टच कर सकूं। अगर आपने इसे टच नहीं किया तो मेरी माँ का दिल टच टचाता रहेगा।
प्लीज मैं आपके पैर टच करके रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज इसे टच कर दीजिए। टचिंग तो क्या मेरी बहन अंगूरी इस दुनिया में नहीं रही? नहीं रही, कैसे हो सकता है? 5 साल पहले खुद इन्हीं हाथों से मैं उनकी अस्थियां गंगा जमुना सरस्वती में भाग के आ चुका हूँ। तो मेरी किसकी अस्थियां हैं? मेरी माँ और आपकी बहन अंगूरी देवी की। मामा जी, झूठ बोल रहा है ये। झूठ ये बोल रहा है। ही इज ए राहुल, आपकी प्रॉपर्टी हथियाने के चक्कर में कह रहा है ही इज ए कमल। नहीं मामू, असली कमल मैं हूँ। असली कमल ये है जी, ये सब जानता है आपकी बहन के बारे में भी। आई विल टेल यू हाउ, योर टाइम स्टार्ट नाउ। आपकी माँ का आपके मामा से रिलेशन का रिश्ता क्यों टूटा था? क्योंकि वो एक नाचने गाने वाले से शादी करना चाहती थी। सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पापा का नाम क्या था? सरजू महाराज। ये भी सही जवाब। ये कैसे हो सकता है? असली कमल ये है मुंगीलाल जी, और ये मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। ओपन द जेब। ओके ओके। सो द तेल। ये देखिए। शी, लेकिन इसका तेल क्या मेरे तेल से ज्यादा असली है? दिल दिल करके ये केस एकदम पेचीदा होता जा रहा है। जिग्नेश जी आप चुप क्यों हैं? आप भी तो कुछ बोलिए। आर्डर आर्डर। पता नहीं ये दोनों में से असली कौन है, ले आ जाइए अदालत। बचाओ बचाओ। अरे ये तो अपना आदमी है। क्या बात है? तुम्हारे घर के ये बॉस बहुत खतरनाक है, हमारे आदमियों को उठा उठा के पटक रही है बॉस। अरे पर तेरे पास बंदूक है। पर वो बुलेट है बॉस। वोट डालेगी तुम सबको। साला हट। तुम कौन हो? भांजी अपने मामा की। तुम में से मुंगी मामू कौन है? मुंगी मामू तुम कौन हो? जिग्नेश मामू। पहचाना नहीं अपन को साला? अरे माँ से मुंगी मामू नाराज था, तू तो नहीं, फिर कैसे भूल गया अपनी भांजी कमल को? कमल? तुम भी कमल हो? तुम भी क्या? अरे इधर कोई और भी कमल दिख रहा है तेरे को? मैं हूँ। ये कैसे हो सकता है? कमल तो लड़का है। मुंगी मुंगी लड़की का नाम भी कमल होता है, और चिट्ठी में लिंग नहीं लिखा था। लिंग? क्या सबूत है तुम्हारे पास? तुम्हें सबूत चाहिए? बाप की तरह गा के सुनाओ या माँ की तरह हाथ घुमाओ या अपने जांग का तिल दिखाओ? वाह, वही तेवर, वही बात, वही मुक्का, वही लात। ऐसा लगता है साक्षात अंगूरी बहन सामने खड़ी है। मामा झूठ बोल रही है, एक नंबर की चालबाज है ये। ए, तेरे को कैसे पता रे? बोल बोल। वो खैर, असली कमल मैं हूँ। नहीं नहीं, असली कमल मैं हूँ। हाँ। तो मामा जी, इन सब चीजों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे नहीं चाहिए आपका ये बंगला या प्रॉपर्टी। आप प्लीज माँ की अस्थियां टच कर दीजिए, मुझे वापस जाना है। नहीं नहीं, कनाडा कैसे जाना है मुंगीलाल जी? He is a Rahul, she is a Chalbaz, he is a Kamal. झूठ बोल रहा है कमल, मैं हूँ। He is a Kamal. खबरदार जो कोई बोला तो, गलती मेरी है जो मैं अपना वारिस ढूंढने निकला था। गलती मेरी है जो मैंने अपनी बहन से रिश्ता तोड़ा था। गलती मेरी है जो तू धीरज रख। Get out. नहीं मुंगी, बात सुन मुंगी। अरे बाहर निकाल इस नौटंकी कंपनी को, ये सब साले नकली हैं। मुंगी गुस्सा मत हो। देख, मैं जानता हूँ इनमें से दो नकली है। अरे हो सकता है तीनों नकली हो, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? एक बार अंगूरी बेन को घर से निकाल के हम आज तक पछता रहे, और इस बार कमल को निकाल दिया ने, तो तू अपने आप को जिंदगी भर तक माफ नहीं करेगा। और फिर 20 रोज के अंदर हमको गॉडफादर के सामने वारिस को भी खड़ा करने का, तेरी इज्जत का सवाल है। तब तक क्या इस नौटंकी कंपनी को बर्दाश्त करता रहूंगा? नहीं, तू फिक्र मत कर, इसका पता मैं लगाऊंगा। कैसे? कौन है? मैं हूँ। सुन, रहने, चल। All the three of you in a line, please. Stand there, there. Yeah. तो तुम कमल हो? जी। इनफैक्ट जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मेरा दिल करता है कि मैं तुम पर यकीन करूँ, लेकिन जब मैं अस्थियों को देखता हूं तो मुझे शक होने लगता है, क्योंकि मैं अपनी बहन को ऐसे नहीं देखना चाहता था, जिंदा देखना चाहता था। और अगर आज मेरी बहन जिंदा होती तो बिल्कुल तुम जैसी दिखती, क्योंकि मैं उसकी इच बेटी हूं ना। घबराओ मत, अब तुमको यह साबित नहीं करना कि तुम में से सच्चा कौन है, मुझे यह साबित करना है कि तुम में से झूठा कौन है। अब असली कमल की पहचान मैं खुद करूंगा। हाँ, तब तक तुम लोग यहीं रहोगे। जिग्नेश, इनके रहने का इंतजाम करो भैया। पर मामा जी,
अगर आप इन अस्थियों को हाथ लगा दे तो मैं चला जाता हूँ कनाडा। अरे बेटा तुम मेरे भांजे हो, अब प्रॉब्लम क्या है? अगर तुम असली कमल हो तो मैं तुम्हारे साथ गंगा में इन अस्थियों को बहाने जाऊंगा, लेकिन अगर तुम असली कमल नहीं हो तो मैं तुम्हारी अस्थियों को इनके साथ बहाऊंगा, ठीक है? अच्छा चलो जाओ 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 जी जाओ जाओ जी जाओ चलो जी चलो चलो मुंगी जी मुंगी जी केस इज सॉल्व्ड कांग्रेचुलेशन यस थैंक यू मेरे 45 लाख अभी इतना लेकर जाओ 15 दिन बाद वापिस आना। अगर तुम्हारा कमल सही हुआ तो 45 की जगह 90 दूंगा, लेकिन अगर तुम्हारा कमल सही नहीं हुआ तो ऐसी जगह गोली मारूंगा कि उड़कर हिंदुस्तान जाओगे। ओके नाउ गेट आउट। ऊपर कार कोट रही है, उधर जाओ। ओह माय गॉड, साली ये चांदनी बार कहां से आ गई? बड़ी मुश्किल से साफत से पीछा छोड़ा था, कमल बन के आ गए। सामने आने दो, बताऊंगा उसे। क्या बताओगे? कैसी हो मेरी जान? मेरा छोड़ो, अपना देखो जो मैं अब करने वाली हूँ। बेबी वो इस तरह अकेले लड़के को देखकर छेड़ा, देखो मैं छोड़ना चाहूंगा। तू मुझे छोड़ के आया था ना? हाँ, तेरे को पता था ना शादी फिक्स की थी तेरे साथ। ये देख, ये अंगूठी दी थी तूने मुझे, ये दौलत के लिए तूने मेरा दिल टुकराया। अब देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। बेबी मैं तुम्हें उस दिन समझाने आया ही था, लेकिन तुमने मौका ही नहीं। जिस दौलत के लिए तू यहाँ आया था ना, वो अब मैं कमल बन के साफ कर जाऊंगी और तू दिखता रह जाएगा। वाओ वाओ वाओ, व्हाट अ सीन। हां, अगर आप दोनों कमल है तो मैं कौन हूँ? तू बताएगा तू कौन है। चल अपनी सस्ती अस्थियां उठा और निकल यहाँ से। चल चल चल, हाँ, चल, चल, बटले बटले। चलो एक सेकंड के लिए मान लिया कि तुम दोनों ही कमल हो, पर अभी अभी ऐसे एक दूसरे के ऊपर क्यों खेले हुए थे? हाँ? अबे मैं इसके ऊपर चढ़ के इसको धमकी दे रही थी। और मैं नीचे लेट के धमकी ले रहा था। मैं लड़कियों को धमकी नहीं देता। अच्छा? लेकिन तेरे को दे रहा हूँ, चल वट ले यहाँ से। हाँ, चल। ए, मैं क्यों जाऊँ? ये मेरे मामा का घर है। ये मेरे मामा का घर है। ये मेरे मुंगी मामा का घर है। एक्सक्यूज मी, ये मेरे मामा का घर है। सॉरी, माय मामा। ओके, ही इज माय मामा। ओके, वाह वाह वाह, अपने मामा के लिए भांजे भांजी आपस में कितना प्यार जता रहे हैं ने? जिग्नेश मामू फिकर ना, इन दोनों फ्रॉडों को मैं यहाँ से निकालेगी। हाँ। हाँ, और मुंगी तेरे को। क्यों? और हाँ, एक बात बोलना भूल गया, वो ऊपर वाले कोने के कमरे में कभी जाने की कोशिश मत करना। हाँ? क्यों? क्यों? बात क्या है? कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसका जवाब नहीं मिले तो अच्छा है, समझे? समझदार को इशारा काफी है। गुड मॉर्निंग मामा जी। गुड मॉर्निंग। आओ भांजा, आओ भांजी, आओ बैठो, आओ बैठो, बैठो नाश्ता करो, आओ। बस माल का रखूं, इसे ऊपर वाले कमरे में रख दो। क्यों, अच्छे से नींद आई मामा के घर में? सॉलिड, मन कहा सोती ही रहूं। अच्छे से सो लो, हाँ सो लो, क्योंकि अगर तुम कमल नहीं हुई ने तो मुंगीलाल तुमको जिंदगी भर सोने नहीं देगा। मामा जी आप कुछ खाते क्यों नहीं? देखे ना कितने कमजोर हो गए। अबे मुंगी मामू को कमजोर मत बुला, एक खींच के देंगे ना पूरा का पूरा हिल जाएगा। हाँ, आप इस बांदेबाज के ना बातों में मत आओ, ये लो ब्रेड बटर खाओ। बिल्कुल नहीं, माँ हमेशा कहती थी कि मुंगी मामा को कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है ना, और ऐसे तो उनको हार्ट अटैक हो सकता है। और अब तक तो मैंने माँ की अस्थियां भी नहीं बहाए तो मामा की फिक्र मत करो तुम भांजे भांजियो, आज शाम को मुझे पता चल जाएगा कि मेरा असली भांजा या भांजी कौन है। क्यों, कैसे, कहाँ? नीचे देखो। क्यों, क्या हुआ बच्चों? बताओ यहाँ आने वाले तो मैं माँ की अस्थियाँ लेके आता, यही बात देता। मामू इधर क्यों लाए हैं हमें? अरे साइट सीइंग कराने लाए हैं मामू। अच्छा मामू देख लिया, बहुत अच्छी जगह है, चलो कहीं और चलते हैं। चुप 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 चुप, तो तुम मेरे भांजे हो जी, तो जाहिर है कि मेरा भांजा मेरी तरह निडर होगा, होगा बहादुर होगा, जाबाज होगा, होगा होगा, जो मैं करूंगा वो करेगा, करेगा तो करो। क्या? मुझे लगता है मुंगी मामा तुमको यहाँ से कूदने को कह रहे हैं। नहीं नहीं नहीं,
मजाक मत कीजिए। अरे अगर तुम मेरे भांजे हो तो मुझे कूद कर दिखाओ। बोलो पहले कौन जाएगा? मामा मुझे आपकी दौलत से कोई लेना देना नहीं है। करेक्ट। पर ये साबित करने के लिए कि मैं आपका असली भांजा हूँ, मैं पहले जाऊंगा। हाँ जाओ। हाँ चलेगा। बस अगर मुझे कुछ हो गया ना तो मेरी अस्थियों के साथ माँ की अस्थियाँ जरूर बांधना। ओके। I love you. बाय। ठंडा छोड़ यार, ठंडा। मैं जा रहा हूँ। हाँ जा। मैं जा रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, देखा मुंगीलाल, मैं बोला था ना यही असली कमल है तेरा भांजा। एक मिनट मामू, मैं भी कूदूंगी। फिर आपकी मम्मी भी दोनों कमल हो जाएंगे। डायरेक्टर के अंदर क्यों घुस रही है, पागल हो गई क्या? चुप ना। लेकिन तू भी कूदेगी। हाँ, क्योंकि मैं अंगूरी की बेटी हूँ। शिवानी, तुम ठीक तो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? कूदने की क्या जरूरत थी? हाँ, तुम्हें कुछ हो जाता तो? हाँ, और तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम क्यों कूदे? हाँ, क्यों? I love you. I love you too. I love you. नमस्ते। कौन है आप? जिया। जी? जिया। जिया। मुंगीलाल, क्या चाहती हैं आप? इंसाफ। हाँ, मिलेगा, जरूर मिलेगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। नहीं। मुझे मेरा कमल लौटा दीजिए, प्लीज। कमल? जी, मैं कमल की होने वाली पत्नी हूँ। कौन सा कमल? जी वही कमल जो आपका भांजा है, और मेरी मेरी जिंदगी, मेरा दिल, नहीं, मेरी जान, नहीं, मेरी आंखों। नहीं, ठीक है, समझ गया। कमल जी, मामा जी। नमस्ते। क्या हुआ? ये कैसा मजाक कर रहे हैं आप मेरे साथ? एक मजाक आपने अपनी बहन को घर से बाहर निकाल कर किया था, दूसरा आज आप मेरे साथ कर रहे हैं। ये मेरा कमल नहीं है। अच्छा एक मिनट रुक जाओ कमल। आपने मुझे बुलाया? हाँ, ये हम। तुम यहाँ क्या कर रही हो? भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। थैंक गॉड डार्लिंग, तुमने मुझे पहचान तो लिया, वरना मुझे तो लगा था कि मामा के मिलते तुम मुझे भूल जाओगे। एक बार भी नहीं सोचा कि कैनेडा में कोई तुम्हारा इंतजार कर रही है। जिया। मामा जी, मामा जी, ये जिया, जिया, ये जिया, जिया, ये क्या बताने में शर्म आती है कि तुम मुझसे प्यार करते हो? कि हमारी एंगेजमेंट हो चुकी है? डर लगता है तुम्हें? ये मामा तुम्हें भी घर से बाहर निकाल देंगे? बस जिया, बस करो। क्यों बस करो? मैं बोलूंगी। अरे ये मामा तुम्हारा विश्वास नहीं करेंगे। जो इंसान अपनी सगी बहन की राख को न पहचान पाया, वो तुम्हें क्या पहचानेगा? जिया। क्या हुआ? क्या हुआ? जिग्नेश, जिग्नेश, अंगूरी, 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 जिग्नेश। कितनी सुंदर लग रही है अंगूरी बहन। एक मिनट, हर फोटोग्राफ में तुम दोनों ने कपड़े बदले हुए हैं, ऐसा क्यों है कि अंगूरी बहन ने एक ही साड़ी पहनी हुई है हर फोटो में? हैं जिग्नेश। अरे मामा जी, आप शायद भूल गए, ये वही साड़ी है जो आपने उनको रक्षाबंधन के दिन दी थी। जी हाँ, माँ बहुत इमोशनल थी इस साड़ी को लेकर, इसलिए जब भी फोटो खिंचवाती थी बस यही साड़ी पहनती थी। हाँ। मामा जी, मुझे तो एक नंबर की फ्रॉड लगती है। हाँ मामा, ये इसी चैप्टर की चाल है, चाल। हाँ, ये लोग ठीक कह रहे, मुझे यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन मेरे कमरे की दूसरी अलमारी के तीसरे खाने में माँ की अस्थियाँ रखी है, गंगा में ना सही, उन्हें यही कहीं बाहर देना, उन्हें लगेगा कि आपने उन्हें माफ कर दिया। ठीक है भाई, चलो जिया। हाँ कमल, चलते।
यहाँ हमारा कोई नहीं है। चलो। जब तक असली कमल का पता नहीं लग जाता इस घर से कोई नहीं जा सकता। जाओ अपने अपने कमरों में। ये भी अच्छा आइडिया। नहीं। अरे नहीं बेटी, क्या कर रही हो? चलो मुंगी, मानो ना मानो मेरा दिल कहता है कि यही असली कमल है। माय सेक्सी माय डार्लिंग। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या हुआ? लोग देखेंगे तो बातें करेंगे जी। अच्छा, हमसे भी एक्टिंग? अरे अरे अरे, छोड़ो मुझे। ओके फाइन। क्या बेवकूफ बना रहे हो इस बुड्ढे को? बट इट वाज योर प्लान डार्लिंग। पर साला तुमने भी जो एक्टिंग की ना, माइंड ब्लोइंग थी। एक्चुअली तुम्हारा वो जो अंगूरी की पिक्चर को मास्क करने का आइडिया था ना, वो काम कर गया। अरे उस पिक्चर की बात मत करो, कितने मुश्किल से मैंने उस बूढ़े मुंगी के रूम से वो पिक्चर चुराई थी। पर अब हमें इस मुंगी का वारिस बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्या इनोसेंट दिखता था ना ये, लेकिन ये साला तो हमसे भी बड़ा कमीना निकला। हाँ, देखा नहीं बेचारे की आत्मा कैसे तड़प रही थी अपनी बहन की अस्थियों को डुबाने के लिए। अरे इन अस्थियों की बात मत करो, पता नहीं किस मूर्ति की अस्थियां उठा लाया हूँ मैं। रख दो इन्हें। अरे कहीं इस मूर्ति ने सुन लिया तो? सुनेगा तो क्या कहेगा? यही ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, कि तुम इस साड़ी में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो उतार दो ना। क्या फुल प्रूफ प्लान के साथ आया? तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? अरे भाई, इटालियन मार्बल के 10-15 कंटेनर और ऑर्डर कर दो। मार्बल ही नहीं, मेरे अलीबाग के कैसीनो के नट बोल्ट भी गोल्ड के होने चाहिए। फुर्सत लाला का कैसीनो एशिया में नहीं, वर्ल्ड में नंबर वन होना चाहिए। ओके पॉप्स, जो मार्बल बच गया उसका आप क्या करोगे?
मुंगी लाल का मकबरा बनाएंगे। गुड आइडिया। मिल गई। मिस मिस Could you please pack these clothes? I'm in a hurry. Yes? Go get them, please. I'll be right back. Okay. मिल गई, पॉप्स मिल गई। क्या मिल गई बेटा? मेरी फिल्म के हीरोइन के कपड़े मिल गए पॉप्स। हीरोइन के कपड़े? अरे हीरोइन तो अभी तक मिले नहीं, कपड़ों का क्या करेगा? पॉप्स वो तो मिल जाएगी, पहले कपड़े तो डिसाइड हो जाएं। अरे भाई ये क्या बेवकूफी है? पॉप्स, ऐसी बेवकूफी सारी फिल्म इंडस्ट्री करती है। पहले धुन लिखी जाती है, उसके बाद बोल लिखे जाते हैं, पहले हीरो सेलेक्ट होता है, फिर डायरेक्टर प्रोड्यूसर। और मैं इस बेवकूफी से थोड़ा सा ही आगे निकल गया, मैंने हीरोइन से पहले उसके कपड़े डिसाइड कर लिए। इधर आ मेरे बच्चे, मैं तुझे गौर से देखूं। मुझे लगता है कि अस्पताल में बच्चे बदल गए तो फुर्सत लाला की औलाद नहीं हो सकता। पॉप्स, एक्सक्यूज मी, आई लव यू। ओके, टेक इट, पुट इट इन माय अकाउंट। थैंक यू, लेट्स गो। यस, आप फुर्सत लाला हेयर। रियली हॉट ड्रेस, यो मंगे। वारिस मॉल में नहीं मिलते, वारिस पैदा किए जाते हैं, पैदा। जा जा, तो देखे उबा। मुंगी की तो बच गई पुंगी। समझ में नहीं आता क्या करूं, एक भाई नहीं एक भाई की तरह महसूस कर रहा हूं मैं। इन तीनों ने मुझे मामा बना के रख दिया है और मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि मेरा भांजा कौन है। अरे तू फिक्र मत कर, मुझे एक दिन की मुद्दत दे, फिर सब पता चल जाएगा। कल नागपंचमी है ना? अरे उससे इसका क्या ताल्लुक यार। इसमें क्या है? इसमें वो चीज है जो साबित कर देगी कि तेरा भांजा कौन है। अच्छा दिखा। ये घबरा मत, घबरा मत। अरे मुंगी, मुंगी ये किस लिए है? अरे भूल गया, हर नागपंचमी के रोज हमारी अंगूरी बहन अपनी जबान पे नाग से डसवाती थी। और वो सांप वहीं का वहीं मर जाता था। हाँ, तो सोच कि जब अंगूरी बेन में इतना जहर था तो उसके खून में कितना जहर होगा। हाँ, मतलब हम इन तीनों कमल को बोलेंगे जबान बाहर निकालो, फिर सांपों को बोलेंगे इनको डसो, और जो नहीं मरेगा वही कमल होगा। हाँ, और जो सांप के डसने से मर गया वो, उसका मरना ही अच्छा होगा क्योंकि वो असली कमल नहीं था। कल फैसला होगा कि ये असली कमल कौन है। पानी, अभी पानी नहीं शिवानी। चलो यहाँ से, यहाँ से चलो, यहाँ से चलो। मेरे पास एक आइडिया है। क्या? भागो, भागो! रन वीर। अरे रन वीर रन। अरे कमल भाई साहब, सॉरी। नहीं 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 नहीं, कमल तो आप है, क्या बात है? अरे मैं का कमल हूँ, कमल तो ये है। ये नो 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 नो, मैं तो आइटम गर्ल हूँ, यू नो, शिवानी, शिवानी सावंत। कमल तो ये है। ओए ओए, मुझे इस समय शामिल मत करो, मेरा नाम तो जिया है, डार्लिंग बोलो ना। जिया? ओके, आई कन्फेस, मैं बिल्कुल नकली हूँ। I'm absolutely fake. आई शपथ, मैं भी शिवानी हूँ, एक्ट्रेस हूँ, आइटम गर्ल हूँ। अरे भाई, I'm no KS from Canada. मैं रणबीर हूँ, वो भी घाटकोपर से। What? हाँ, देखो गाइस, असली बात तो ये है कि हम सब नकली हैं। हाँ। मगर वो जो लंबा सांप है ना, वो बिल्कुल असली है। करेक्ट। और इससे पहले कि वो बुड्ढा हमें उस सांप से डसवा के मरवा दे, मेरा ब्रश, मेरा साबुन, मेरा टूथपेस्ट नहीं मिल रहा है यार। तुझे टूथपेस्ट की पड़ी है? यह हम लोग का पेस्ट निकल रहा है, उसका कुछ नहीं। हेलो मिस्टर, व्हाटएवर यार, हमारे पासपोर्ट नहीं मिल रहे। हाँ, मेरा पासपोर्ट भी मेरे बैग में नहीं है। लेट मी चेक। हाँ। मेरा भी पासपोर्ट नहीं है। इसका मतलब उस बुड्ढे टकले मामू के बच्चे ने हमारे पासपोर्ट ले लिए हैं। यानी कि उसने चोरी की, तभी मेरा टूथपेस्ट नहीं मिल रहा है। टूथपेस्ट? अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन हम खाली हाथ वापस कैसे जाएंगे? सुनो सुनो, वो बुड्ढा हमसे गेम खेल रहा है, पर वो नहीं जानता इस घर में कितने बड़े बड़े चोर हैं। Actually, I have a plan. क्या? हम सब यहाँ पैसे के लिए आए थे, राइट? हाँ, राइट। शॉर्टकट से पैसे बनाने आया था ये। अरे डार्लिंग, मैं तो सोच रहा था उसे मामू बना के हम दोनों की पिक्चर फाइनेंस करवाऊं। मगर डार्लिंग, मैं तो तुम्हारे प्यार के लिए आई थी। अभी नहीं। ओके, हम में से कोई भी यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएगा। मतलब? याद है वो कोने वाला कमरा? हाँ। जहाँ जाना मना है। राइट, बुड्ढा अपना सारा माल वहीं छिपाता है।
You mean to say? आज रात हम सब वहाँ चोरी करने जाएंगे? चोरी? अरे अरे लेकिन लेकिन अगर कोई देख लेगा तो? आज रात को हम उस कोने वाले कमरे में जाएंगे और वहाँ का सारा माल है सालर। अरे वो देखो, लगता है ये मुंगी के डैडी। अभी नीचे पढ़, बाबू केरोसिन तब गया धारावी 1969। किसने? अभी ये देख, खौफ लाला टपकाया मीना बाजार 1973। और साथ में गन भी है। असली है। अरे वो देखो, सलीम साहब टपकाया भिंडी बाजार 1973। साथ में चाकू भी है। टपकाया चिंचपोकली 1979। ऑटोमेटिक गन के साथ। मुंगी मामू ने इन सबको टपकाया है। इनको किसने टपकाया? मुझे किसी ने नहीं टपकाया। अरे अरे बचाओ बचाओ रंबा डाली मेरे को बचाओ। डॉगीज मेरे पीछे पड़ गए। कहाँ चला गया था मेरे राजा? कब से सोना पड़ा है तेरा ये बाजा? दिन के उजाले में बत्ती बुझा के तू आजा। बाबा 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 मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। खा लो। अब ब्रह्मा जी नहीं, मेरे पास आते ही तुम्हारी क्यों निकल जाती है हवा? मेरे पास है तुम्हारे हर दर्द की दवा। क्या एक और गोली? पता है बम बम बोले बाबा ने कहा है ये शिलाजीत है। शिलाजीत? शिलाजीत क्या होता है? अरे इसमें अजीत रंजीत सुजीत सबकी ताकत होती है और इसे खाते ही आदमी अगर जीत बन जाता है। क्या कौन है ये रंजीत अजीत सुजीत अगर जीत? कौन है ये लोग? आई वॉन्ट टू मीट देम। हे भगवान, कोई नहीं है, मैं तो सिर्फ मिसाल दे रही थी। डार्लिंग मेरे को मिशल चाहिए, तुम मिशाल दे रही हो, मुझे खाने को दो। कहाँ से लाओ खाना, घर में फूटी कौड़ी नहीं है। अरे 500 रुपए दिए तो थे उधार से। उसी 500 रुपए की तो मैं शिलाजीत लाई। खा लो ना, खा लो ना। रंबा डाली मैं आजकल बहुत परेशान हूँ, मुझे परेशानी में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तुम्हारी शक्ल में भी मुझे वो कीलाल नजर आता है। 45 लाख रुपए उससे लेने समझ में नहीं आता मुझसे कैसे लूं। अब तो कोई ग्राहक भी नहीं आता। लो ग्राहक आ गया। ओ, तुमने आज का ग्राहक भी बुलाने शुरू कर दिए?
हे भगवान, कैसा भाग्य लिखा है भाग्य विधाता। ग्राहक मेरे लिए नहीं आया जॉनी जी, तुम्हारे लिए आया है, जाओ। क्या मेरे लिए आया? ए जॉनी, ए जॉनी भाईरा होमवर्क छोड़ नेटवर्क को वेलकम कर रहे हैं। अरे जानते जाने बहुत देखे तेरे से। ए जॉनी, ग्राहक जी, आई एम दी जॉनी इंग्लिश। ए इंग्लिश छोड़, तू मेरे को खाली इतना बोल, तू जॉनी है क्या? शेंट परसेंट, ऊपर से नीचे तक, आप बताओ काम क्या है, व्हाट इज द मैटर? अरे तेरे को थोड़ा खाने को देने का यार। राग जी, आपने तो कमाल ही कर दिया, मेरे को वैसे भी बहुत भूख लगी थी, खाने को दो। ये नल्ली वाला, ये कुर्ते वाला, ये कलेजी वाला, ये पठान वाला, ये मेरे 3 लाख रुपए लेके बैठा है, मेरे 60,000 रुपए खा के बैठा है, और मेरा 1 लाख खा के बैठा। मेरे पति को हाथ लगाया ना तो अच्छा नहीं होगा, वरना वरना रंभा डार्लिंग जी, इससे बचाओ, बचाओ मेरे को। जॉनी जी, डार्लिंग जी, रंभा के होते हुए तुम्हें और कोई नहीं मार सकता। बोल क्या है? तू जानती नहीं है मेरे को, वसूली नेटवर्क हूँ मैं। अच्छा, किधर मिलता है तू? मैं हर जगह मिलता हूँ, नेटवर्क हूँ ना। अबे चुबे, मेरे घर में किसी भी कंपनी का नेटवर्क नहीं मिलता। देख मेरे मोबाइल में एक भी डंडा है क्या खड़ा? तू ही देख। तेरे में देखने को है क्या? तू मेरे को पहचानती नहीं है, समझी ना? तेरा पति मेरे को सिर्फ दे दे 25,000 की सुपारी, ले आओ। इतना बड़ा? तू खाली मेरे को मार सीधे से दे दे, चल चल। हाँ चल, मैं तेरे को देती हूँ। 5 लाख रुपए? वो क्या रुपए? अरे हमारे 45 लाख फंसे हुए, तू उसको निकाल दे, हम तेरे को उसके पैसे भी दे देंगे। क्या रंभा जी, ये नहीं कर पाएगा, ये छोटा मोटा भाई है। छोटा मोटा क्या, अपुन एक्चुअली बहुत बड़ा डेंजर नेटवर्क है, समझाना? अपुन कहीं पे भी किसी से भी वसूली कर डालता है। अच्छा तो वसूल देना, मेरे जॉनी डार्लिंग के 45 लाख फंसे है, वो दे नहीं रहा है, निकाल दे। वो कौन है? बैंकॉक का बहुत बड़ा शेठ है, वेरी बिग, पर ये नहीं कर पाएगा, देखो अभी से डर रहा है ये तो। अरे बैंकॉक का सेठ ही है ना, कहेगा भाई थोड़ी है जो अपन डरेगा, अपन तो वसूलेगा, तू चल बैंकॉक। तुम लोगों को क्या लगता है आदमी इस तरह उल्टा लटक कर कितने दिनों तक जिंदा रह सकता है? वो तो कभी नहीं जान पाएंगे मेरे भाई। क्यों? क्योंकि उसके पहले मुंगीलाल हमें मार डालेगा। मैं इतनी जल्दी नहीं मरना चाहता, मैंने तो एक फिल्म भी नहीं की है यार। तेरे को कितनी बार बोला एक्टिंग पर कॉन्सेंट्रेट कर, पर तू है कि हम यहाँ अंडरवर्ल्ड में फंस गए, बस शूट आउट होना बाकी है। सॉरी बेबी, गलती हो गई, बस एक बार यहाँ से निकल जाए, आई प्रॉमिस यू साथ में रोमांटिक फिल्म करेंगे। रणबीर डार्लिंग, मेरा जी तुम्हें ढेर सारा प्यार करने को कर रहा है, मुझे गले लगा लो, मैं तुम्हें अपने गले लगाकर जान दे देना चाहती हूँ। बेबी गले नहीं भी लगाए ना तो भी जान तो जरूर जाएगी, डोंट वरी। सब छोड़ो और बताओ कि करना क्या? अब जो भी करना है मुंगी मामा को करना है यार। मामा जी, वी आर सॉरी, वी आर सॉरी मामा जी, प्लीज हेल्प अस। मामा जी, ले चलो इनको अंदर, चलो। तो तुम लोगों ने मूंगी लाल को चुंगी लाल समझा था क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं। मामा, वी आर रियली सॉरी, आप तो शक्ल से इतने मासूम और छोटा चेतन लगते हो, हमें क्या पता था आप इतने बड़े डॉन निकलोगे। हाँ, वी आर वेरी सॉरी, वी आर सॉरी। सच्चे में अंकल, आप दोनों की त्वचा से आपकी उम्र का पता ही नहीं चलता। त्वचा? दिमाग, दिमाग। सॉरी मामा, आप हमें इतने इमोशनल और अपने लगे कि हम। और तुमने उस अपनेपन का फायदा उठाया। नहीं नहीं, 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 हम तो सिर्फ माल असर करने के चक्कर में आए थे, आपको हर्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं था। आयशपन जी अंकल, सच तो ये है कि जब मैंने आप दोनों को पहली बार देखा तभी मुझे मेरी माँ की याद आ गई। तुम लोग जानते हो तुम लोगों की सबसे बड़ी गलती क्या है? क्या? तुम लोगों की गलती ये है कि तुमने यहाँ आकर मेरा भांजा कमल बनने का नाटक किया, और तुम लोगों को ये लगता रहा कि मैं बेवकूफ बन रहा हूँ, लेकिन मैं बेवकूफ बन नहीं रहा था, मैं बेवकूफ बनने की एक्टिंग कर रहा था। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग क्या समझते थे मेरी बहन अंगूरी क्या है? वो नागिन की रीना रॉय थी जो अपने आपको सांप से डसवाती थी। विष कन्या है क्या भाई की बहन? मेरे लोग का प्लान था इन चारों को मारने की तैयारी करो। नहीं, 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 नहीं,
कैसी बज रही है तेरी पुंगी? काम बोल। अरे काम कुछ नहीं है तेरे से, बस ऐसे ही तेरी फिक्र हो रही थी। मैंने आज सुबह सुबह एक सपना देखा कि अंडरवर्ल्ड की बिरादरी के सामने मैं थूक रहा हूँ और तू चाट रहा है। मुझे पता चला है कि तुझे तीन तीन वारिस मिल गए। कब मिला रहा है अपने तीन पत्थरों से? इतना पत्थर दिल नहीं हूँ कि तुझे और तड़पाऊं। तेरी मौत से पहले जरूर मिलवाऊंगा उन तीनों से। उर्सत लाला की मौत? स्टॉप बीइंग फनी। परसों होली है, वही दीदार करा दे मेरी मौत का। ओके। इसे कैसे पता चला कि यहाँ तीन तीन वारिस हैं? लगता है ये बात बाहर फैल गई है। हाँ। अगर वो तीनों को मार डाला तो। रुक जाओ, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। मामा जी, वी वेरी सॉरी। आपकी दुश्मनी हमारे साथ रहा। आप इन लड़कियों को छोड़ दीजिए, प्लीज छोड़ दीजिए। ओके ओके, तुम लोग चाहते हो ना कि मैं लड़कियों को छोड़ दूँ? वेरी गुड, तो तुम लोगों को वही करना होगा जो मैं चाहूंगा। क्या तुम लोग को वारिस बनने का बहुत शौक है ना? तो अभी हमारे लिए तुम लोग को वारिस बन के रहना पड़ेगा। नहीं, हम अंडरवर्ल्ड के वारिस नहीं बनना चाहते। यू डोंट हैव एनी टाइम। होल्ड ऑन, यू डोंट हैव एनी चॉइस माय डियर, अदरवाइज आई विल किल देम। ओके 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 ओके, गुड बॉयज, गुड गर्ल्स, गुड बॉयज, गुड बॉयज। मुंगी से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। अबे फिल्मी, टॉन के डायलॉग बोलना बंद करेगा? कोई प्लान सोच यार। तो क्या करे, मुंगी के भांजे बन जाए, अंडरवर्ल्ड के डॉन बन जाए, ताकि पुलिस वाले भी हम लोगों को गोली मार दे। अरे हम सब तो तैयार हैं। तैयार है? तेरा दिमाग खराब हो गया है, डॉन बनेगा? अरे सिर्फ कुछ दिनों के लिए यार, वरना इन दोनों को मार देंगे वो लोग। नहीं नहीं, मेरा राहुल डॉन नहीं बनेगा। तुमने देखा नहीं, शूटआउट के एंड में सारे अंडरवर्ल्ड के डॉन मारे जाते हैं। ये भी फिर? अरे वो तो एंड में मरते हैं, ये तो हमें बिगनिंग में ही मार देगा। अरे देखो, आज नहीं तो कल हम सब मारे जाएंगे। आज नहीं, कल। और कल किसने देखा है? हे, कल तो होली है। कल मौका देखते ही चौका मार देंगे। रंग भी है, भंग भी है, आवा दे, आवा दे। अरे यार धूम होली में क्या दुश्मनी, भैया पी के जाओ झूम। सोए सेज के ऊपर तन्हा मन घबराए, गोरी सोए सेज के ऊपर तन्हा मन घबराए, सारी रहना खटमल काटे, नींद कहाँ से आए? चुगीरा सारा रारा, चुगीरा सारा रारा, चुगीरा सारा रारा। अरे सुनो ने सजनाई इंजन, अरे सजनाई इंजन, सजनाई इंजन सजनी डिब्बा मिलकर खेले खेल, सजना इंजन सजनी डिब्बा मिलकर खेले खेल, चटपक चटपक चलती जाए बिंदु की रेल। जुगीरा सारा रारा, जुगीरा सारा रारा, जुगीरा सारा रारा 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 रारा। और देखेगा संसार तमाशा, देखेगा संसार तमाशा, आज खुलेगी पोल। अरे देखेगा संसार तमाशा, आज खुलेगी पोल। हम
ढम 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 बीच बजरिया तेरा फटेगा ढोल चकीरा सारा रारा चकीरा सारा रारा चकीरा सारा रारा 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 मारी पिचकारी तो भिज गई मोरी चुनरिया होठवा से टपकेला टप टप गुलाबी शराबी हाँ गोरी नजरिया से मारन ऐसे खंजर जिया में उतारन ऐसे खंजर जिया में उतारन ऐसे 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 के अरे ऐसे के बस मर जाए छेलवा सर रंग बरसाए मत करो जाओ घर जाओ जाओ घर जाओ जाओ भागो 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 जाओ मैं कह रहा हूँ ना जाओ अरे चलो जाओ मैं हूँ ना भाग राहुल भाग भाई से नहीं चल भागते भागते यार पीछे गोली लगी है चल गाड़ी में चलते अच्छी गाड़ी चल मर्सिडीज में चलते नहीं टोयोटा में चल यार मर्सिडीज में चलते अरे टोयोटा में चल मर्सिडीज में चलते अरे गोली चल गई है भागो 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 अरे सुसु आई है अबे अबे रुक अबे सुसु आई है क्या करूं अरे राहुल जल्दी कर यार तेरे पेशाब की चक्कर में मर जा जाएगी यार अरे कितना सुसु करेगा अबे गधे की तरह मुद्रा क्या तू जल्दी कर यार अरे राहुल अबे मर गए राहुल आगे बोलो अरे अरे वाह शाबाश मेरे शेरों और मारो इन चीजों को अरे हम पीटे हैं पिट रहे हैं क्या मैं राहुल जल्दी करो Thank you.
Cut it! I don't like this, Toby. इन्हें सिखाओ. मैच कैसे करते हैं डांस स्टेप? Okay, okay. Zack and me are going to show you, huh? One, two, cha, cha, cha. Touch करो, touch करो, touch करो. I'll show you. ऐसे करके दिखाओ, okay? Okay, come, follow me. One, two, shake that booty, shake that booty. Toby, I don't want passing. ये क्यों हो रही है passing? I have not given any instructions. I'm really sorry. सब क्या हो रहा है? सब कुछ गड़बड़ हो गया. अच्छा अच्छा चलो continue. Let's do. One, two, shake that booty, shake. Good. Passing क्यों हो रही है? Good. मेरी फिल्म को क्यों कोई सैबोटेज कर रहा है? गॉड, Zack डार्लिंग, डोंट गेट एंग्री, इट्स वेरी बैड फॉर हेल्थ. तुम्हें क्या चाहिए Zack? आई वांट सम. तुम्हारी जैसी लड़की चाहिए. तुमने मुझे लड़की बोला, मुझे तो कोई लड़की मानता ही नहीं है. गर्ल्स यू गो नेक्स्ट. चाहती हो गर्ल्स? नहीं नहीं, हम तो बचपन से ही ऐसे हैं. हाय गर्ल्स. गॉर्जियस. थैंक यू. हॉटी नॉटी. बाय द वे, तुम चारों लड़कियों के नाम क्या है? आप चारों की ऑडिशंस लेना चाहती हो? मगर हमें तो एक ही आइटम गर्ल चाहिए ना. ओ लीलो को ले लो ना. ले लो ले लो. हमारी फिल्म में आइटम गर्ल का सॉन्ग मैं करूंगा. करूंगी करूंगी करूंगी. ये आधा लड़के की तरह क्यों बोलती है? हाँ, क्योंकि बस आधा ही कन्वर्ट हुआ है ना. पूरा कन्वर्ट होने के प्रोसेस में है, यू सी. ओह माय गॉड, तुम तो बिल्कुल मेरी तरह हो. हम दोनों की खूब पटेगी. क्या? Zack डार्लिंग, मुझे लगता है तुम्हें सिचुएशन चेंज कर देनी चाहिए. मतलब पहले तुम एक आइटम गर्ल के साथ डांस कर रहे थे, पर अब तुम चार चार आइटम गर्ल्स के साथ डांस करोगी. सोचो कितना सेक्सी लगेगा. ओह माय गॉड, आई कैन बिलीव इट. ये गाना तो सुपर हिट होएगा. लेट्स डू इट, लेट्स डू इट. पर हमें हिंदुस्तान जाना है. मैं तुम्हें हिंदुस्तान लेके जाऊंगा. मगर हमारे पासपोर्ट्स तो खो गए हैं. और पैसे भी नहीं है. डोंट वरी, Zack डार्लिंग के पॉप्स तुम्हें बिना पासपोर्ट के एक्सपोर्ट कर देंगे. Zacks, क्या करते हैं तुम्हारे पॉप्स? माय पॉप्स इज टॉप्स यो. सो एक्साइटेड. पॉप्स, आई एम आल्सो वेरी एक्साइटेड. Yeah.
भाई भाई कोहली फुर्सत लाला के आदमियों ने चलाई थी और वो खुद सिंगापुर चला गया है। कहो तो उड़ा दूं से। नहीं, उनको यहाँ लेकर आओ, मैं मारूंगा उनको, यहाँ उनके शहर में। तू फिकर मत कर, वो जख्म गहरा नहीं है, बहुत जल्दी भर जाएगा। जिग्नेश, मुझे इस जख्म की परवाह नहीं है, उस जख्म की परवाह है जो उन चारों ने मुझे दिया है। उनको यहाँ लेकर आओ, किसी भी हालत में जिंदा मारूंगा उनको मैं। क्यों फिकर करता है? उनके पासपोर्ट हमारे पास है, वो जाएंगे कहाँ? क्या कर रही हो? स्लोली, तू जा। ठीक है, तू कर आराम। कम ऑन, कम ऑन, ओके, थैंक यू। कम ऑन गाइस। इतना बड़ा घर किसका है? मेरे पॉप्स का है। सैक्स, तुमने अभी तक मुझे बताया नहीं, क्या करते हैं तुम्हारे पॉप्स? मेरे पॉप्स बहुत बड़े आदमी हैं। अच्छा। और बड़े आदमी खुद कोई काम नहीं करते, उनके हर काम के लिए नो रॉयल गार्ड्स हैं। हर काम के लिए? हाँ। इसीलिए तुम्हारी शक्ल रॉयल गार्ड से मिलती है। क्या? How mean? चलो ले लो, मैं तुम्हें डांस सिखाती हूँ। चलो ला। चलो चलो। डार्लिंग, तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हें तो डांस स्टेप मैं सिखाऊंगा। Let's go, baby. मुझे लगता है मैं जाना चाहिए उनकी इज्जत बचाने, वरना। ये मुंगे। हाय राम, कितना बड़ा है। दादी, तुम्हें हर चीज बड़ी क्यों दिखती है? क्या करूं जॉनी जी, जिंदगी में सारी चीजें छोटी ही मिली, इसलिए। मुंगे। क्या है? ये मैं नौकरों के मुंह नहीं लगता हूँ। आई डोंट टच सर्वेंट्स माउथ। मुंगी को बोलो जॉनी इंग्लिश आया है। ठीक है, यही रुको। क्या घर है यार, मुंगी बोलो तो खटमल आता है। ए मुंगे, ए मुंगिया, मुंगिया, हे कौन है, क्या लफड़ा है? ए मुंगिया, हाँ क्या लफड़ा है, क्यों चिल्ला रहे हो? जिग्नेश भाई, इस गुड लुकिंग चेहरे को पहचाना? नहीं, मैं जॉनी इंग्लिश। हाँ, जॉनी इंग्लिश। और ये है मेरी पत्नी रंबा, नमस्ते करो। नमस्ते भाभी। और ये है वसूली नेटवर्क। लेकिन तुमको तो निकाल दिया था मुंगी ने धक्के मार के, तुमने वापस आने की हिम्मत कैसे की? अरे भाई, अपने पैसे वापस मांगने आए हैं, अवर मनी। और अगर नहीं मिले ना तो नेटवर्क, अपनी इंट्रोडक्शन दो। वसूली नेटवर्क नाम है अपना, इसको अपना नेटवर्क कोने कोने में फैले ला है भाई। और अगर इसलिए तूने इसका पैसा नहीं दिया ना, तो तुझे ऐसा गायब करूंगा जैसे अंडरग्राउंड में से नेटवर्क गायब होता है। कौन है ये लोग? मुंगी शेठ, तूने थप्पड़ मारा था ना मेरे को, उस थप्पड़ के गूंज की आवाज मेरे कानों में गूंजती रही, और आज मैं उसी का जवाब देने को तेरे को वापस आया हूँ। तू शरीफ आदमी है इसलिए सिर्फ धमकी दे रहा हूँ, मेरा पैसा वापस कर दे, वरना ये नेटवर्क है ना। नेटवर्क? ये कौन से वर्क में चला गया इस वक्त? नेटवर्क? अरे नेटवर्क पैर क्यों पकड़ रहा है? वायु कैचिंग सीट। अरे माफ कर दो भाई, इसको माफ कर दो। पैर कुछ छू रहा है, पैसे मांग, माफी मत मांग। अरे नादान पंछी को शिकारी की ताकत का अंदाजा नहीं है, तेरे को मुक्ति मिलेगी। ये भाइयों का भाई, डॉनों का डॉन है ये मुंगी लाल, बैंकों का किंग कॉन्ग है मुंगी लाल। भाइयों का भाई, 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 मेरे को नहीं पता था कि 20 दिन में आपने इतनी तरक्की कर ली है। तो तुझे पैसे चाहिए? नहीं, मेरे को पैसे नहीं चाहिए, ये तो नेटवर्क मेरे को बोला कि मैं पैसे दिला दूंगा। अब 5 लाख दे मेरे को, मैं घर पे खाली बैठा हुआ था, सिटिंग एमजी एट होम। रब्बा जी, आप भी तो कुछ बोलो। हाँ, हमें कोई पैसे नहीं चाहिए, हम तो कितने सालों से एमजी बैठे, प्लीज जाने दीजिए, चलिए चलिए। पीछे 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 हट। तेरा वो लौंडा कमल नहीं है। अच्छा, नहीं होगा भाई, आप कह रहे हैं तो बिल्कुल नहीं होगा। मेरे को तो पहले से ही डाउट था, किधर है वो? मेरे को मिल गया ना तो इतना मारूंगा कि कमल शेख कैमल बना दूंगा। किधर है वो, किधर है भाई? भाई और मैं भी उसी को ढूंढ रहे हैं, वो हम दोनों की आंखों में धूल झोंक के कहीं भाग गया है। अरे काय का भाग गया भाई, से जास्ती कोई भाग सकता है क्या भाई? ऐसा भागेगा, ऐसा पकड़ेगा क्या भाई? 4 दिनों के अंदर मेरे को लौंडा यहाँ चाहिए, नहीं मिला तो तुम लोग बैंकॉक से बाहर नहीं निकल सकोगे। ओके, मिल जाएगा। चलो चलो चलो, हाँ चलो जी, चलो 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 रंबा जी। भाई मैं ये लोग पे नजर रखता हूँ, जाओ नजर रखो। चल तू भी।
संतरा नहीं समझ सकता तू? अब मेरी मुट्ठी में है। तुम अगर चीले कैसे खाओ? ये खाने का थोड़ी है। क्या? हे पॉप्स। जैक बेटा, ये सब कौन है? पॉप्स, मैं एक आइटम गर्ल ढूंढ रहा था। मेरे को चार चार मिल गई पॉप्स। इन लड़कियों को तो मैंने पहले कहीं देखा। Wow, your choice is very good, बेटा। और मैंने इन लड़कियों को पहले कहीं देखा है। कहाँ ले जा रहे हो? मैंने इन लड़कियों को कहीं क्या? Okay, dance, all right, I like dancing, dance, 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 राहुल यार, क्या हुआ यार? तेरी बेक नहीं, बर्बाद हो गए यार। जैक बेटा, यस पॉप, जिंदगी में तूने पहली बार बहुत अच्छा काम किया है। तुम लोगों ने मुझको उल्लू बनाया। अरे बेटा, इन्होंने बहुत नचाया है हमको। अब अगर तुम चाहते हो कि इन लड़कियों की सांस चले तो नाचो। दिया जान, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया जान? क्यों? सॉरी, हम लोगों से गलती हो गई भाई। जान, माफ कर दो हमें प्लीज। हमें भी माफ कर दो जैक भैया। Shut up you two! तुम जानते हो कि मुझे लड़कों की, खास तौर पे तुम दो बेवकूफों की आवाज बिल्कुल नहीं पसंद। तुम बोलो ना जान, तुमने मुझ जैसे सेंसिटिव डायरेक्टर का नाजुक सा दिल क्यों तोड़ा है? Actually, जानो, वो actually क्या है कि तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैंने तुम्हारी स्टोरी में एक नया मोड़ दे दिया है। Twist, यार मैं twist, पिक्चर देखी क्या तुमने? हाँ, मेरी स्टोरी में तो एकदम नया twist आ जाएगा। अब क्लाइमेक्स सही जमेगा, क्या? Yeah! बेवकूफो, तुम्हारी तकदीर ने तुम्हारे सारे दरवाजे बंद कर दिए। लगता है हमारी जिंदगी का क्लाइमैक्स आ गया है मेरे दोस्त। इस क्लाइमैक्स से निकलने का रास्ता सोच, वरना दी एंड हो जाएगा। यहाँ से निकलने का बस एक ही दरवाजा है और उसकी चाबी फुर्सत लाला के पास। तो खोल ना भाई दरवाजा, काय को भाव खा रहे ला। ए छम्मक छल्लो, खाना क्या है ये तुम लोगों पर डिपेंड करता है। फुर्सत लाला की गोली या आजादी की रंगोली? आजादी, आजादी। ठीक है, आजादी चाहते हो तो तुम्हें फुर्सत लाला का एक काम करना होगा। अरे इतने आदमी रखे हुए, उनसे करवाओ ना। हाँ, उनसे करवाओ। अभी मिलते हैं क्या? जाओ। बच गए, दोनों बच गए। अबे लड़कियां उनके कब्जे में, चलो। बच गए मगर थोड़ी देर के लिए। अगर इन लड़कियों की जिंदगी चाहते हो तो तुम वही करोगे जो फुर्सत लाला कह रहा है। अरे यार रणबीर, ये सब डॉन एक जैसे क्यों होते? पहले हमें उल्टा लटकाते, हाँ। फिर गोली मार के नीचे गिराते, हाँ। फिर लड़कियों पर बंदूक रखकर हमसे जबरदस्ती काम करवाते। हाँ यार, now come up with something new guys। अच्छा, आप काम की बात करें जी, हाँ। हमें करना क्या है? मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मुंगी लाल के पास वापस चले जाओ। हाँ? क्या? हाँ? लेकिन हम वहीं से तो भाग कर आए हैं। वो हमें डॉन बनाना चाहता है, अपना वारिस बनाना चाहता है। हाँ? मैं भी यही चाहता हूँ। हाँ? जी आपकी दुश्मनी मुंगी लाल के साथ है, हम क्यों? हाँ? क्योंकि तुम हो मेरे मोहरे। मैं चाहता हूँ कि कल के इंटरनेशनल डॉन्स की मीटिंग के अंदर मुंगी लाल के वारिस बनकर तुम वहां पर आओगे। लेकिन वहां पहुंचने के बाद सबके सामने तुम असलियत बता दोगे कि मुंगी लाल ने तुम लोगों को डराया धमकाया है, पैसे दिए हैं अपना वारिस बनाने के लिए। मुंगी की तो वहीं खुल जाएगी लुंगी, चाटेगा मुंगी फुर्सत लाला का थूक। हमें भी हंसना है। तुम्हें हंसना है लेकिन काम होने के बाद। जैक, यस सर। जैक बेटा, इनको 15-15 बात कपड़ों के लिए दे दो और लड़कियों को लेकर पीछे पीछे आ जाओ। ओके डैड। जान, हम चले। हे, तू टैक्सी लेके घर चल। हट। उल्लू के पट्टे, इस चमक चलो कभी। तुम दोनों मेरे कब्जे में हो। चलो। अरे
जिया, शिवानी, जिया, शिवानी, अरे क्या कर रहे हो? जिया, संभाल के। हाय। यार मुंगी के पास ऐसे जाएंगे तो शक हो जाएगा उसे। अरे क्या बोल रहे तुम लोग? अब हमको कोई नहीं पहचान पाएगा, देख के हमारा ये लम्हा कितना बड़ा है। यार इसका ये जो तकिया कलाम है ना, बड़ा बड़ा इससे हर जगह हमको पकड़ा है। चुप रहो, कुछ करना पड़ेगा। ओए रणवीर देख, जितना दिमाग भेज बदलने में लगा, अगर उतना दिमाग चारों को पकड़ने में लगा होता ना, तो अब तक हम उनको लेके मुंगे के पास पहुंच गए होते। आफरीन डार्लिंग, मुंगी उनको नहीं पकड़ पाया तो हम कहां से पकड़ेंगे? आफरीन आफरीन जाफरीन साफरीन, कैसे पकड़ेंगे? मैं कहां से पकड़ेंगे बताओ, कहां से पकड़ेंगे? सॉरी शेख, शेख ये तो राहुल है। राहुल आता, पकड़ फाता, जकड़ फाता, उठवाता, पकड़ा। अरे लेकिन अब है कौन? अरे मेरे को नहीं पहचाना, मैं हूँ जॉनी इंग्लिश। मैं आपका हिंदुस्तान के अंदर वर्ल्ड फेमस है। और मैं रंभा। ओ रंभा जी, कैसी हैं आप? पता है मैंने आपके लिए यहाँ पर भी एक गोली ढूंढी है। डार्लिंग कंट्रोल करो, ये गोली मत दे, तुमको ढूंढते ढूंढते है ना हमारे पैर थक गए हैं एकदम। हाँ, चलो चलो मुकी भाई के पास चलो। हमें माफ कर दीजिए, आपकी गलती हो गई, सॉरी। बड़ी मुश्किल से पकड़ के लेके आए, अपनी जान पे खेल के पूछो इस नेटवर्क से, बोल ले तू। हाँ भाई, ये दोनों भागने की कोशिश न करें, इसलिए मैंने जॉनी भाई को बोला इनको गिरफ्तार करके यही लाया। लड़की कहाँ है? हम जानते हैं आप इस वक्त गुस्से में, हमें माफ कर दीजिए। अब आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। गोली, अरे नहीं नहीं, गोली मार इनको, मैं गोली मार, समझ? चलो तुम लोग मेरे साथ, चलो इधर आओ। ये देखो, ये है मुंगी लाल का सपना, ये हॉस्पिटल जहां वो फुर्सत लाला अय्याशी का अड्डा बनाना चाहता है। इसलिए वो ढूंढ रहा था अपनी बहन को, अपने वारिस को, पता नहीं वो है भी या नहीं, लेकिन तुम लोग को देख के उसकी उम्मीद जरूर जगी थी, पर वो उम्मीद भी गलत निकली। अरे तुम लोग के वास्ते उसने अपने जिस्म पे गोली झेली, लेकिन तुम्हारी आंखों में देखो लालच है, और लालच के सिवा कुछ भी नहीं है। अच्छा ही हुआ तुम दोनों में से कोई कमल नहीं निकला, वरना दुनिया वाले बोलने लगते कि किचड़ में से सिर्फ किचड़ ही निकलता है, कमल नहीं। हमारा डाचू सुजी जो बाबा निकलो आई थी, जाओ। सिद्धाम फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं कि हम यहां क्यों आए हैं। आज अलीबाग की जमीन का फैसला होगा, कौन थूकेगा कौन चाटेगा। गॉडफादर, मैं जूता चाटने के लिए तैयार हूं। मुंगी लाल से कहिए कि अपना वारिस पेश करें। मुंगे, गॉडफादर गणपत राय, बहुत छोटा था तब से नफरत देख रहा हूं। हर इंसान एक दूसरे का गला काटने में लगा है, मैंने भी काटा है, नहीं तो मेरा कोई काट देता। वारिस कहां है मुंगीलाल? जिस दिन पहला कत्ल किया था उस दिन मेरे हाथ कांप रहे थे, क्योंकि उस दिन एक नहीं दो कत्ल हुए थे, एक उस पुलिस वाले का जो मेरी मां को नोच रहा था, और दूसरा मेरे अंदर के इंसान का। मुंगीलाल, वारिस कहां है? अरे को लगा कि मेरे अंदर का इंसान मर गया, पर वारिस कहां है मुंगीलाल? मेरा वारिस, वारिस कहां है? अब है वारिस। मामा, वी आर सॉरी, हमने आपको पहचानने में भूल की। ये आदमी सिर्फ एक डॉन ही नहीं बल्कि एक नेक इंसान भी है, और हमें फख्र है कि हम उनके भांजे हैं। झूठ झूठ बोल रहे हैं गॉडफादर, ये दोनों वारिस नहीं है, ये वारिस ही नहीं है, झूठ बोल रहे हैं ये। मैंने भी उस दिन आपसे झूठ बोला था,
लेकिन अब मैं झूठ के बिना पर अलीबाग नहीं चाहता। मैंने वहां अपने मां बाप को बिना इलाज के बिना दवाई के मरते देखा है। तब मैंने सोचा था कि अगर जिंदगी में मुझे कभी ताकत या पैसा मिला तो मैं अलीबाग में एक अस्पताल बनाऊंगा जहां बिना इलाज के बिना दवाई के कोई ना मरे। और फुर्सत लाला, अलीबाग में लास वेगस तो मैं भी बना सकता हूं और तुझसे बेहतर। लेकिन गॉडफादर, ये करके मैं अपने अंदर के इंसान को पूरी तरह मारना नहीं चाहता। हम सब अपनी मां के पेट के अंदर से गन लेकर पैदा नहीं हुए हैं। यू टेल मी चैंग, विल यू बिल्ड ए होर हाउस इन ए प्लेस वेयर योर सिस्टर वाज रेप्ड? एंड यू एलिस, तुम्हारे पास करोड़ों रुपया है, क्या तुम उनसे अपने अपाहिज बच्चों की जिंदगी ठीक कर पाओगी? गॉडफादर, आपकी आंखों के सामने लोगों ने आपके परिवार के हर इंसान को गोलियों से भून दिया सिर्फ इसलिए कि आपने ड्रग्स का धंधा करने से मना कर दिया। क्यों क्यों करते हैं हम ये सब? सिर्फ इसलिए कि हमारे अंदर एक इंसान अभी भी जिंदा है। मैं जानता हूं गॉडफादर, मैंने भी बुरे काम किए, लेकिन अब मैं एक सही काम करना चाहता हूं। अब मुझे एक सही काम करने का मौका दीजिए। प्लीज प्लीज गॉडफादर, मुझे वाली बाग की जमीन दे दीजिए। प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं गॉडफादर, प्लीज मुझे वो जमीन दे दीजिए, मैं एक शरीफ काम करना चाहता हूं। देखो अल्बर्ट, मुन्नीलाल जो बोलता है एकदम सही बोल रहा है, हमें उसके बाद मानना चाहिए एकदम। लेकिन आप लोग इतने इमोशनल क्यों हो रहे? अंडरवर्ल्ड में इमोशंस की कोई जगह नहीं है, यही रूल बना है यहां पर। होंगे, तुमने हमसे झूठ बोला इसलिए तुम्हें गोली मार देनी चाहिए, ये हमारा दिमाग कहता है। लेकिन हमारा दिल कहता है कि तुम एक अच्छा काम करना चाहते हो, इसलिए हम रूल चेंज करते हैं। अलीबाग तुम्हारा। मगर ये तो रूल के खिलाफ है। रूल हमने बनाया था, तोड़ दिया, दिल किया कर दिया। ओके गॉडफादर, फुर्सत लाला ने बहुत फुर्सत से सोचा कि कहीं गेम गड़बड़ हो गया तो हिला नहीं वरना मुंगी की पुंगी बजा दूंगा। ओ गॉडफादर, चलो उधर देख, सब देखो, अभी सिर्फ अली बागी नहीं, मैं बनूंगा गॉडफादर। देख, अब देखो उधर। मुंगीलाल, तुम उनको बचाओ, मैं इसको संभालता हूँ। तो मजा कर रहे हैं। अरे मजा लड़कियां नहीं कर रही, मजा वो लोग कर रहे हैं। मामू, आप भुंडो को संभालो, हम लड़कियों को बचाते हैं। चलो क्या वे साले, हम कूद कूद के क्यों भाग रहे हैं? सीधा भागे तो भी पहुंच जाएंगे। नंगा क्यों हो रहे हैं? उनको संभालने के लिए। अरे कोनी माए दूध पिवड़ा उच, आओ आओ। भगवान ने हमारी नहीं सुनी लेकिन इन लोग ने सुन ली, ये लोग आ रहे हैं। आओ 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 आओ। पापा पापा, दिग्नेश दिग्नेश। ओके ओके गो। नो, आए आए, लगा लगा। अरे यार, कौन सा बटन समझ में नहीं आ रहा है? कोई भी बटन दबाना, क्या कर रहा है यार? अरे यार, वन मिनट, ये ट्राई करते हैं। अरे पागल हो गया तू, ये ट्राई करते हैं। आपका नहीं बन पाएगा, तेरी टाइमिंग ही गलत है। अरे ऊपर नहीं नीचे, रेड दबा, रेड दबा, अबे पीला दबा।
कटराजी। कौन है? कौन है? मैं हूँ ना। कौन मैं हूँ ना? अरे मैं कौन? देखी देख। मेरे को मारा। ना ना ना। मेरे को मारा। ना मालूम है। आए! और कितना दौड़ाएंगे? अरे मैं भी तो दौड़ रहा हूँ ना। तू क्या? अरे ये फॉर्मूला कार किस मर्ज की दवाई? चलो चलो बैठो। अब तेरे इन सब नकली रिश्तेदारों के सामने मैं उतारूंगा तेरी इज्जत की लुंगी। चल इस नए गॉडफादर के जूते सबके सामने चाट। कम ऑन मुंगी। जैक पकड़ के लाओ मुंगी को और इसके चुंगी को। क्या बस कर रहे ना? ये फिर से एक बार करके दिखा। हाँ दिखा। मेरे साथ चलो। वो तेरे को पिस्तौल दिखा रहा है, तू जा। तू भी चल, मजा आएगा। चल चलो। चल शाबाश जैक बेटे, शाबाश। लाओ इन नकली रिश्तेदारों को भी इधर लाओ। ये क्या किया? वो तो हमारा आदमी था। ये मेरी मोहब्बत है, इसके लिए मैं किसी की भी जान ले सकता हूँ। आपकी भी है। अब तो मेरी यही हीरोइन बन के रहेगी। डैड बना ले, गोली लग जाएगी बेटा, लग जाएगी गोली, गोली लग जाएगी, लग जाएगी। अरे तू क्या कर रहा बेटा? हटा ले। स्टैचू, डोंट मूव, कोई हिलेगा नहीं। अरे क्या कर रही? हमें इजाजत दीजिए मामा जी, हमारी फ्लाइट का वक्त हो गया है। तुम लोगों ने मेरे लिए वो सब किया है जो मेरा अपना भांजा भी नहीं कर सकता। जिग्नेश, इतना बड़ा घर है हमारा, अकेले रहकर यहाँ क्या करेंगे? तुम लोग यहाँ क्यों नहीं रुक जाते? और मेरे भांजे भांजियों,